क्वालिटी हो नहीं आती यार बाकी लोगों की। मैडम यू आर ऑन म्यूट। I'm, यस yeah, I got disconnected, sir. I think I'm so sorry यस for this. नो 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 So, यस I was just saying, sir, that this is a platform wherein we have got such honorable and esteemed dignitaries who are not the known names just in Jaipur, rather the whole country. So I am overwhelmed to be a part of this webinar on the untold stories of the successful professionals. And here with us, we have the most esteemed dignitaries, CA Rajiv Sogani, sir, CA Shyam Agarwal, sir, CS Shyam Agarwal, sir, and CMA Harendra Kumar Parikh, sir. So before starting off and before, you know, talking about each and every dignitary out here on this platform, I would like to request our Honorable Director Sir Sanjay Biyani Sir to welcome our resource persons wholeheartedly before starting off this seminar. So I will request once again CA Dr. Sanjay Biyani Sir to please welcome our resource persons. Thank you so much, ma'am. Thank you, Devika ma'am, for inviting all of us. Thank you so much. First of all, I'd like to say thank you to my respected teachers, my guide, my mentor, CA Rajiv Sogani sir. मैम मैं बताना चाहूंगा कि मेरी ट्रेनिंग सर के अंडर में हुई, वहां मैंने डिसिप्लिन सीखा, प्रोफेशनली वर्क किया। नहीं यार यार सो आई एम सो ग्रेटफुल आज सर को यहां वापस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और टाइम टू टाइम जब भी मुझे गाइडेंस भी लेनी होती है तो मैं सर के पास आता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कॉलेज के जो बच्चे हैं वो आज सर से बहुत कुछ सीखेंगे। पर मैं चाहता हूँ ये सेमिनार बहुत इंटरेक्टिव हो और बच्चे जो हैं उनसे अपने क्वेश्चंस पूछे कि वो फ्यूचर में जब सीए बनना चाह रहे हैं क्या तरह के चैलेंजेस आएंगे, किस तरह का प्रोफेशन है, और उनसे प्रेरणा ले, क्योंकि मैंने बहुत प्रेरणा ली है और मैं चाहता हूँ कि सर से भी प्रेरणा ले सभी लोग। सेकेंडली श्याम जी अग्रवाल सर को भी बुलाना मैं थैंक यू देना चाहूंगा कि जब भी कॉलेज में कोई भी प्रोग्राम है और सर को एक बार भी जब इन्वाइट किया तो इतनी ग्रेटली और सर यहाँ आते हैं और बच्चों को इंस्पायर्ड करते हैं। कितनी सेमिनार्स हुई मैंने उनको यहाँ कॉलेज के ऑडिटोरियम में इनवाइट किया और आप आए और हमने जो इंटरव्यू से एड्रेस किया। श्याम जी पुनः एक बार आपका स्वागत है, और आपसे बच्चे वास्तव में बहुत इंस्पायर्ड है आपके पूरे प्रोफेशन में। मतलब मुझे लगता है कि शायद ही कोई कंपनी सेक्रेटरी हो जो सर को मिस करता हो, सर को नहीं जानता हो। और फिर इसके अलावा आपने अपार्ट फ्रॉम द प्रोफेशन जो एज ए लीडर एज ए स्पोक्समैन आपने जो काम किया है कंट्री के लिए वो भी हम सब लोग देख ही रहे। सो बच्चे वास्तव में आपसे भी बहुत मोटिवेट होंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हरेंद्र पारिक सर, आप यू आर ऑल्सो ए ग्रेट मोटिवेटर। आप भी कॉलेज में आए और आपने मुझे इन्वाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा उस समय सभी सीएमएस से मिलकर, और आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने भी मुझे एक बार मौका दिया जिस वजह से मुझे इंस्टीट्यूट आना पड़ा। सो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ अपने प्रोफेशन से के लिए जो डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स हैं वो सब यहाँ है। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, और इस तरह के सेमिनार में जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये है कि डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं आप, रिकॉर्डेड वीडियो में वो काम नहीं कर सकते। तो मैं जो आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं देख रहा हूँ, आशा, आयुषी, छवि, दीपिका, मुझे लगता है कि यू ऑल आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। आप सब लोग जो है देश के भविष्य हैं, और इसलिए सुनना, समझना और सीखना वास्तव में लाइफ में बहुत आवश्यक है। सो ये स्पिरिट बनाए रखिए, और मैं देविका मैम को कहूँगा कि विदाउट टेकिंग मच मोर ऑफ टाइम है ना, प्लीज गो अहेड। Thank you so much. My warm regards. Thank you.
अनम्यूट कीजिएगा मैडम, हाँ अनम्यूट कीजिएगा एक बार। ओके so before starting off with the seminar I would request all the students to open their videos so that it can be an interactive session. You can keep yourself muted but open your videos everybody. Now I can see a few of the beautiful faces around. So starting off with the webinar, I would first like to introduce our most esteemed dignitaries present on this platform. I would like to start with CA Rajiv Sogani, sir. He is a practicing chartered accountant and has a vast experience of 34 years in the field of taxation and auditing. He is the founder and the managing partner of R. Sogani Associates and Associates. It is a CA firm most well known in Jaipur. He holds the position of secretary at Jaipur Tax Tribunal Bar and is a member of various national forums and committees. Next, I would like to talk about our another esteemed guest, CS Dr. Shyam Agarwal, sir. He has been visiting our institute quite often and he is a practicing chartered company secretary with 15 years of experience. He has been the president of ICSI New Delhi, and during his tenure as president in ICSI, the institute received the honor of having the benign presence of Shri Narendra Modi, the Prime Minister of India, at the inaugural session of Golden Jubilee function, and which culminated into receiving the recording the name into the Guinness Book of World Records. He is a member of the Chartered Institute for Secretaries, Securities and Investment, United Kingdom. He has achieved many awards and accolades, which will be a long list if I start mentioning here. Last but not the least, I would also like to welcome our most honorable and esteemed CMA, Harendra Kumar Parikh, sir. He is a practicing cost accountant and associate member of ICAI. He is an eminent speaker, career counselor, who has conducted various seminars and programs at CMA at the chapter level. He has also organized a 2000 kilometer yatra to propagate career in commerce and among the students, and counseled more than 13,000 students all around Rajasthan. Great. To welcome our esteemed and honorable guests, I once again, with the folded hands, welcome everybody out here. And since it is an interactive session and it is going to be a rendezvous between our esteemed guests, I would like to start off with CA Rajiv Sogani, sir. So there are a few questions which come up to our mind, especially CA profession ko lekar. So sir, aapki ijazat ho to hum start kar sakte hain, sir. Yes, sure. Most welcome. जी सर, सर मैं स्टार्ट करूंगी सर आपके चाइल्डहुड से, और हम चाहेंगे सर कि आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट वर यू, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जो आपको पसंद थे, कुछ फॉन्ड मेमोरीज ऑफ योर चाइल्डहुड एक्चुअली कन्वर्टेड योर करियर इन टू बींग प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. At the outset, my best wishes to all the students. Sir, am I not audible, please? Audible, yes. Sir, audible. Yes, sir, audible. Okay. At the outset, madam, I wish all the attendees of this webinar a very successful professional career, a very happy personal life. Now, so far as the question related to my childhood, I would say that unfortunately, I was a very bright student. I was a topper all along in my school days. In those days, it used to be Rajasthan Board. I was in the merit of Rajasthan Board also.
But I said, unfortunately, I was a very meritorious student, very studious, very academically bright student. But if I have to relive my life, अगर मुझे वापस लाइफ रिपीट करनी पड़े तो मैं कतई पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दूंगा. एंड माय मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स इज लिव योर लाइफ टू द अटमोस्ट. एजुकेशन डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड बी गुड एट स्टडीज बट डोंट सेक्रीफाइस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ और द अदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टडीज. So both are important. Both should be balanced properly in your life. Education, agar aap keval education mein avval rehna chahte hain, extreme ya exceptional heights achieve karna chahte hain, to I would say no, that is not the right way. Overall development hona chahiye. Aur main manta hoon ki mere childhood ke andar maybe I was gifted, I was bright student, लेकिन मुझे बहुत सारी वो चीजें आज मैं retrospect में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे वो सब चीजें करनी चाहिए थी. Lot of art, culture, sports, religion, spirituality, all those things I missed badly because I was focusing only and only on education, my own academic career. That is all about my childhood. Lot of good teachers I got all along my student life, starting from school till college. Even in college, I got very good teachers. All those teachers have impact on my life, on my professional career as well. That is all I think should be enough for the students to know. The only message probably is आप अभी जिस उम्र में हैं उसको भरपूर जिए. पढ़ाई अकेली चीज नहीं है. पढ़ाई के साथ साथ आप बाकी सब चीजों में पारंगत हों, दक्षता हासिल करें और एक बैलेंस्ड लाइफ करें. आप पाएंगे कि जिंदगी के अंदर इवन कॉलेज ड्रॉपआउट्स जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल हैं. इसलिए केवल पढ़ाई से जिंदगी में सक्सेस या हैप्पीनेस मिलेगी, दैट इज ऑन व्हेन आई रिविजिट माय लाइफ आई फील दैट इज नॉट द बेसिक इंग्रेडिएंट for success or happiness in life. I don't know, madam, Devika ma'am, is it enough for the students or you want something more from me in this regard? Over to Devika ma'am. Yes, sir. So, sir, thank you so much. My second question on behalf of the Delhi group of colleges. Because, sir, time to time you have visited our institution. So, we are equally focused on study along with the personality development. And we are working a lot. So, what is your message to our students? Now, my message very clear and a very strong message I want to give because I am 60 plus a senior citizen. I have led my life to a great extent. My message is, in addition to academics, any educational institution should be a platform for formation of a personality which is a unique in itself. इसलिए जो मैं देखता हूँ आपके कॉलेज में आप लोग रिलीजन, अदर कल्चर, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड द एथिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इन सब पे जो एक्स्ट्रा फोकस आप लोगों का है दैट इज वेरी असेंशियल. और लाइफ में सक्सेसफुल, एंड आई विल नॉट से मियरली सक्सेसफुल, सक्सेसफुल एज वेल एज हैप्पी, दीज टू थिंग्स, सक्सेस एंड हैप्पीनेस यू कैन अचीव ओनली व्हेन यू हैव बीन एबल टू attain all-round development in your life. And as an educational institution, if you are able to impart that all-round development in the students, that will make the students successful and a very useful citizen of the country and useful citizen for this society. Sir, ऐसी कोई तीन activity जो at the age of 20, जो बच्चों की भी average age इस समय 20 है, so ऐसी कोई तीन activity जो आप अब करना चाहेंगे जो आपने उस समय नहीं किए? देखिए, मेरा मानना है कि मेरा अपना मानना है कि आर्ट, कल्चर और लिटरेचर
ऑफ कोर्स बॉयज के लिए फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटीज स्पोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्ट कल्चर और लिटरेचर, लिटरेचर रिलीजियस लिटरेचर हो, अदर देन रिलीजियस लिटरेचर हो, अगर आप टैगोर को पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कोई नॉवेल्स पढ़ना चाहते हैं, तो मैं मानूंगा कि जो अभी आपने जिस एज ब्रैकेट की बात की है, उन स्टूडेंट्स को ना केवल करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल इश्यूज, इन सब में अपने व्यूज डेवलप करने चाहिए, लेकिन लॉट ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, इन सबको पढ़ना चाहिए जिनका डायरेक्ट लिंक आपके टेक्स्ट बुक से कतई नहीं है. दैट मे नॉट हेल्प यू इन सिक्योरिंग मार्क्स, बट डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर सब्सिक्वेंट लाइफ, एंड दैट विल मेक यू अ कंप्लीट पर्सनैलिटी. अ कंप्लीट पर्सनैलिटी मीन्स यू शुड बी गुड एट लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, रिलीजन, एवरीथिंग हैज टू बी देयर. तो मेरा मानना यह है कि करंट अफेयर्स, पोलिटिकल इशूज और लिटरेचर वगैरह पे बहुत ज्यादा ध्यान स्टूडेंट्स को अदर देन द टेक्स्ट बुक देना चाहिए. सर, एज ए सीनियर सिटीजन, सर आप अब क्या फील करते हैं कि बच्चे जो है कंसंट्रेशन, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपोजर दे ऑल आर गेटिंग, उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल चुका है, सो द नाउअडेज द मेन प्रॉब्लम इज फोकस. तो ऐसी क्या एक्टिविटी हो सकती है जिससे बच्चे अपना फोकस बढ़ा सके, क्योंकि मोबाइल, इंटरनेट, इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है चारों तरफ से, और मुझे लगता है ये आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है कि वो अपनी अपने आप को ही फोकस नहीं कर पा रहे, और हर समय चारों तरफ बाहर की तरफ दे ऑल आर फोकसिंग. सो उसका क्या रेमेडीज हो सकता है सर? देखिए संजय जी, यू आर राइट, दिस इज अ वेरी ग्रेव प्रॉब्लम. और बच्चों में आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आई एम नॉट ऑन व्हाट्सएप, और उसके बावजूद भी मेरी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, और मैं वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन हूँ. व्हाट्सएप के बिना भी कोई जना ये नहीं कह सकता कि मैं लेस इन्फॉर्म्ड पर्सन हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे ना होने से और इस सोशल मीडिया पे ना होने से मेरा फोकस आप लोगों की उम्र में, जो मेरे ऑफिस में ट्रेनीज हैं उनकी उम्र भी लगभग आप 20-22 साल की होती है, माय कंसंट्रेशन एंड माय फोकस इज मच मोर देन दोज हु आर ऑल द टाइम इन्वॉल्व्ड ऑन सोशल मीडिया. तो मेरा ये मानना है कि चाहे आप मेडिटेशन के थ्रू, चाहे डिटॉक्सिकेशन फ्रॉम द सोशल मीडिया, बिकॉज ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एट ऑल गुड, दैट ऑल इंफॉर्मेशन इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट फॉर यू, that is creating a traffic jam in your mind. उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है. आपको ऐसी सड़क चाहिए जहां से आप गंतव्य पे पहुंच सकें, rather than आप traffic में अटके रहें. इसलिए मेरा मानना यह है कि आप लोग अपनी priorities, all the students को अपनी priorities, I am not at all saying that enjoyment or entertainment should not be there. It should be there. Definitely it should be there. But there should not be any wastage of time, there should not be any entertainment which aapko defocus karta ho. Abhi aapki age hai ki aap padhai pe focus kar sakein, jis bhi kaam ko aap karna chahte hain aap us pe focus kar sakein. Isliye mera ye manna hai ki jo lot of information, because of is internet ke zamane se bahut of information ka jo overload hai, please try to avoid that, remain screen se off rahe, social media se जितना पॉसिबल हो ऑफ रहें, अपना एंटरटेनमेंट जरूर करें. जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको गाना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, आपको कहीं घूमने जाना अच्छा लगता है, आपको नेचर के करीब आने से बहुत अच्छा लगता है, डू ऑल दैट. बट प्रोबेबली अदर देन दिस, व्हाटएवर इज देयर इन द सोशल मीडिया, दैट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे. तो मेरा मानना यह है कि अगर हम इससे दूर रहें तो हम फोकस कर सकेंगे और प्रोबेबली लाइफ का प्लेजर बहुत बढ़ जाएगा. बिलीव मी, आई एम नॉट ऑन व्हाट्सएप एंड दैट इज एडिंग टू लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन माय लाइफ. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, वापस से आ गई हूँ. तो सर इसके आगे हम शुरू करते हैं कि सर जैसे आप सिंस चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में हैं, तो सर वी वुड लाइक टू नो कि कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं बेसिकली जो इस प्रोफेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ग्रेजुअली बच्चों को अपने में डेवलप करने चाहिए.
if they want to pursue their career in this profession, sir? Dekhiye, Devika ma'am, so far as profession is concerned, whether that is a chartered accountancy or company secretary or cost accountancy or maybe even medical or architecture or engineer. So the first and the foremost requirement is that the person or the student willing to pursue that particular career should have a passion for that. Profession is about passion. Agar aapko usme maza aa raha hai, that is the foremost requirement. अगर आप उसमें एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप आर्किटेक्चर को एंजॉय करते हैं, आपको डिजाइनिंग में मजा आता है, आप डिजाइनर बनना चाहते हैं, सो द फर्स्ट थिंग इज आप, मैं सब स्टूडेंट्स को कहूंगा कि वो कभी अपने पेरेंट्स के वजह से किसी सीए कोर्स में एंटर ना हो जाएं, कभी पीयर प्रेशर की वजह से सीए कोर्स में एंटर ना हो जाएं, वो अपने दिल को टटोलें. अगर उन्हें अच्छा लगता है कि यस मुझे सीए बनना है, अगर उन्होंने कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखा है और उन्हें लगता है कि यस ये लोग सोसाइटी के लिए यूजफुल हैं एंड आई कैन आल्सो बी यूजफुल टू द सोसाइटी इफ आई बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन दे शुड ऑप्ट फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. देविका जी, मैं बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि इन माय ऑफिस आई हैव अराउंड 80 ट्रेनिंग आर्टिकल्स, और जब भी वो ज्वाइन करते हैं मैं सबसे पहले उनसे ये कहता हूँ कि भाई देखो, अपने पेरेंट्स के प्रेशर में तो सीए में नहीं आए हो ना, दिल से सोच लो कि सीए करना अच्छा लगता है तो सीए करो, वरना आई वुड बी वेरी विलिंग टू हेल्प यू गेट आउट ऑफ द सीए कोर्स. दे हैव कम टू मी फॉर सीए कोर्स, बट आई टेल देम दैट आई विल हेल्प यू, बिकॉज कोई भी जना एट दिस एज अपनी इच्छा के खिलाफ काम करेगा तो होल लाइफ वो उसमें सक्सेसफुल हो ही नहीं सकेगा, वो वर्क उसे बर्डन लगेगा. आज अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मजा आता है तो अगर मैं पूरे दिन ऑफिस रहता हूँ तो शाम को आई एम वेरी रिफ्रेश्ड, आई एम वेरी फ्रेश, लेकिन अगर मुझे वो काम मजा नहीं आता, सो माय ओनली थिंग इज इट इज नॉट लिमिटेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इट हैज टू बी योर पैशन, योर लाइकिंग, और वो लाइकिंग आई नो एट दिस एज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर लाइकिंग और व्हाट इज नॉट देयर लाइकिंग, तो वो थोड़ा सा उन्हें टटोलना पड़ेगा, अपने आसपास की सोसाइटी कुछ लोगों को देखना पड़ेगा और वो उन्हें तय करना पड़ेगा कि व्हाट विल सूट योर पर्सनालिटी, उसके हिसाब से वो लोग प्रोफेशन चूज करें. आई वुड नॉट से कि अगर किसी को अकाउंटेंसी स्ट्रांग है तो वो सीए में चला जाए, नो, उसकी अकाउंटेंसी स्ट्रांग हो सकती है लेकिन उसकी लाइकिंग हो सकता है म्यूजिक हो, अकाउंटेंसी तो देयर इज नो पॉइंट कमिंग इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, उसको म्यूजिक में जाना चाहिए. So, just because he is gifted, he has good knack for the accountancy, that is not a guarantee that he should, or that is not a compulsion that he should go for a chartered accountancy course. So passion probably is the foremost thing, so far as I feel, in any student to decide which course he should go for. Suppose if you enjoy, suppose for Deepika ma'am, if you enjoy teaching, right, sir. So there are a lot of chartered accountants who have qualified with flying colors, but instead of practice, they enjoy teaching. So they have gone into teaching. True, sir. और अगर आज भी मुझसे कोई पूछे तो मेरा hidden passion अभी भी teaching है. तो मुझे, मैं कई बार office में कहता हूँ कि हो सकता है कि मैं retirement, अब जो मेरी age हो रही है उसके बाद I may join teaching. So what gives you the pleasure? That is the deciding factor one should take into account. Very true, sir. In fact, I was about to come to that question. Ki, sir, many people do CA, CS or CMA for that matter. But somehow, sir, at one point of time or the other, there are very few and who are well known and practicing CA or CS or CMA. So, sir, according to you, what are actually, the one is definitely you said passion. So, what do you think, sir, exactly ki a person becomes a successful CA? Okay, again, the same point, if he's passionate about that thing, so definitely he will put in his maximum. But in addition to that, suppose his proper time utilization, because once he comes to a profession, whether any profession, medical, engineering, CA, CS, ICWA, he's selling his time. वो अपने time और knowledge को बेच रहा होता है. तो जो जना
नॉलेज के एक्विजिशन पे प्रॉपर ध्यान देता है, ही इज अपडेटिंग हिमसेल्फ कॉन्स्टेंटली, एंड वन हु इज वेरी केयरफुल मेथोडिकल अबाउट हिज टाइम यूटिलाइजेशन. सो प्रोबेबली दीज टू थिंग्स इन एडिशन टू द पैशन, बिकॉज इफ पैशन इज देयर तो वो ये सब दोनों चीजें भी मैनेज कर लेगा. लेकिन अगर नॉलेज एक्विजिशन प्रॉपर है और उसका टाइम के बारे में यूटिलाइजेशन प्रॉपर है, ही इज नॉट वेस्टिंग हिज टाइम, then probably that will give him success in his profession, in his chosen field. These two are very important things. People after qualifying exams, mere CMA aur mere khayal se mere co-panelists bhi agree karenge ki main apne CA profession mein ye manta hoon ki itna jyada course hai ki hamare jo CA students hote hain wo pad pad ke thak jate hain. और जो ही एग्जाम पास आता है तो दिल में उनके एक इच्छा होती है कि अब इन किताबों को जला दें. सो अगर ऐसा हो रहा है उनके दिमाग में तो फिर वो सीए की प्रैक्टिस बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इफ दे हैव डेवलप्ड एलर्जी टुवर्ड्स स्टडीज इन स्पाइट ऑफ पासिंग द एग्जाम्स दे विल नॉट बी सक्सेसफुल इन प्रोफेशन. इफ दे हैव डेवलप्ड फैसिनेशन टुवर्ड्स स्टडीज तब वो सक्सेसफुल हो पाएंगे. So that fascination has to be there towards acquiring knowledge. And third, probably, mere sabhi students ko kehna ye hai bachchon ki there is a difference between business and profession. Profession is service to the community. Aaj ek doctor hai to uska earning ka source hai, but he is serving to the society. COVID mein hum sab logon ne dekha hai. Same is with a chartered accountant. Wo kisi ki financial health ko करेक्ट करता है, सेट राइट करता है. कंपनी सेक्रेटरीज भी कॉर्पोरेट्स को हेल्प करते हैं. कॉस्ट अकाउंटेंट्स वुड रेंडर सर्विसेज इन कॉस्टिंग, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द एंटिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्टिंग इश्यूज और द कॉर्पोरेट इश्यूज और द फाइनेंशियल इश्यूज. सो देयर इज अ सर्विस एलिमेंट इन्वॉल्वड इन प्रोफेशन. सो व्हेनेवर यू आर ऑप्टिंग फॉर अ प्रोफेशन, be ready to serve the society. Businessman हो सकता है कि society को serve करने के लिए उतना relevant नहीं है. वो पैसा कमाता है, उसके बाद वो हो सकता है donation करता हो या ना करता हो. But while exercising the profession, you are constantly rendering services to the mankind, to the society. Maybe doctor, engineer, chartered accountant, advocate. आपने देखा होगा कि एडवोकेट्स हैं जो बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, लेकिन बहुत नॉमिनल फीस पे भी वो नीडी लोगों का काम करते हैं. सो अगर कोई प्रोफेशन चूज कर रहा है तो ही शुड फाइंड आउट कि उसका सोसाइटी को सर्व करने का इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन है या नहीं. राइट, आई डोंट नो बच्चों, आप लोगों ने प्रो बोनो सर्विसेज सुनी होंगी. दैट इज अ टर्म यूज्ड बाय एडवोकेट्स एंड टॉप मोस्ट एडवोकेट्स जो लाखों रुपए पर आवर अपीयरेंस के लेते हैं, बट दे आर ऑल्सो एक्सट्रीमली हैप्पी कि वो लोग बहुत कम फीस में ऐसे नीडी लोगों का काम करें, उनको न्याय दिलाएं. सो दैट एलिमेंट ऑफ सर्विस इज देयर इन एवरी प्रोफेशन. ट्रू ट्रू सर, ट्रू, वेरी ट्रू सर. नाउ आई वुड लाइक टू request our CS Shyam Agarwal sir to throw some light on the company secretaryship course, sir. And madam, if you just 1 minute, if allowed, may I speak for just 1 minute? Yes, yes, sir. Sure, sir. Shyam sir, I'm extremely sorry. I'm just conveying my students, all the attendees of this webinar, that with all humbleness and humility at my command, I say I'm not a successful chartered accountant. So don't say that it is untold story of a successful chartered accountant. Yes, it is my own story, whether successful or not. Successful, bachchon, is a very relative term. Kabhi success or failure, less success or more success ka burden apne upar kabhi mat palna. Everyone is successful in his own right. Therefore, there is nothing called very successful or failure. Nothing like that. Okay. Thank you very much. And I'm sorry, Shyamji. Beech mein maine aapko disturb kar diya. I wanted to convey this message to the students. For us, I think you are very, very successful and you are kind of an inspiration for many of the students because they are looking up to you and would love to be somebody like you, sir. So it is definitely our pleasure that you are here and inspiring our students, sir.
Now I would request CS Shyam Agarwal sir. Devika ma'am, थोड़ा सा disturb करना चाहेंगे क्योंकि जो students के हैं और उनकी voice है ना बहुत appeal करती है हम सब लोगों को. So Simran और Jury Jain हमारे बीच में है. Simran तुम्हें काफी लंबे समय से miss कर रहे हैं institution में. तो Simran से हम चाहेंगे कि वो Sogani सर से एक question raise करें जो उसके दिमाग में immediately चल रहा है. उसके बाद में पूजा you should also be ready. सिमरन शर्मा आपने अनम्यूट करिए अपने माइक को. यस सिमरन कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. आई थिंक सिमरन मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप बोल सकते हो बेटा. माइक वर्किंग नहीं कर रहा सिमरन का माइक. ओके यू मे राइट समथिंग अगर आपको कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो सिमरन यू मे राइट. मीनवेल पूजा गौर, पूजा अपने माइक को अनम्यूट करिए, आस्क सम क्वेश्चन क्योंकि सेमिनार विदाउट इंटरेक्शन इज नॉट ए गुड सेमिनार. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून बेटा. Sir, as you are a very famous CA, as we all heard by our teachers, so I just want to ask a very simple question. Sir, अभी तक की मेरी as a student journey में मैंने हमेशा सुना है, if you want to become a CA, then you should be an expert in accountancy or maths. So, sir, is it really necessary? I mean, I am good. I am okay in accounts, but not that much good. But still, if I want to do CA, I used to heard that I should be best in accountancy. No, even if you are average, that is sufficient. So average student can definitely with that commitment can become chartered accountant. So if you are average, don't worry beta, you will be very easily become be doing chartered accountancy course. There is nothing that aapko bahut expert hona chahiye accountancy mein, aisi baat nahi hai. That is a core subject, but if you have a reasonable understanding of accountancy, and my only thing, if you are not afraid of accountancy, dekhiye there is a difference. If you are afraid of accountancy, don't come to CA. But if you are not afraid, but you are average, so later on you will find that you will be able to develop interest in accountancy because that is what chartered accountancy will teach you. So that interest will be developed, but you don't worry about being expert in accountancy. That is not at all a must. Average student can very easily get through a chartered accountancy course. Believe me, thoda commitment hoga. और फेलियर से डर नहीं लगेगा. देखिए जो लोग सीए करना चाहते हैं वो ये ध्यान रखें कि उनको फेल होने से डर नहीं लगना चाहिए, वो सीए हो जाएंगे आराम से. राइट. एनीवन एल्स वुड लाइक टू आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चंस? या श्रुति हैज रेज्ड हर हैंड. श्रुति यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. श्रुति रावत. Good morning, sir and ma'am. Good evening, beta. Sir, I just wanted to know, many people say CA is a very complex subject. So, sir, just I want to know that it is very complex or people are saying like, yeah, it is very complex. Not at all, beta. It is not at all complex. The only thing is whether you have passion to become chartered accountant, whether you have liking for this subject, whether you know, whether you have the ability to understand the commercial aspects of any transaction, then probably average student can easily, with commitment, can clear chartered accountancy course. It is not at all necessary ki chartered accountancy ke liye exceptional students hi clear kar sakte hain. Ye thoda bahut jo result ki percentage vagaire ko lekar ki dharna hai, that is not that correct. I have seen average students becoming chartered accountant if they are really wanting to become chartered accountant. So it is not at all right or correct to say
that it is a very complex subject. Not at all. It is not a complex subject. Otherwise, मेरा जैसा आदमी सीए नहीं हो सकता था बच्चों. Okay. Is there anyone else? Khushbu. Yeah, Khushbu, you can ask questions, beta. Hello, sir. Good afternoon, sir. Myself, Khushbu. Sir, I want to ask that, sir, what challenges face chartered accountant? Sir, क्या challenges face करने चाहिए chartered? The challenges post qualification or during doing chartered? Sir, आपके field में यानी क्या-क्या challenges आपको face करने पड़े इस position तक पहुंचने के लिए? नहीं देखिए बेटा, चैलेंजेस नॉर्मली कोई भी जने को अपने करियर में, पर्टिकुलरली इफ ही इज अ फर्स्ट जेनरेशन प्रोफेशनल इन दैट पर्टिकुलर लाइन, तो एक रीजनेबल चैलेंजेस सबको फेस करने पड़ते हैं एंड दैट गिव्स यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस. आई डोंट से दैट दोज वर चैलेंजेस विच मेड माई लाइफ डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल. दैट मेड माई लाइफ वेरी हैप्पी. आई accepted every challenge, overcame that challenge, और उसकी वजह से at the end I am a very satisfied person. तो जो challenges हैं वो ये challenges जरूर हैं कि अगर आप practice में आना चाहते हैं तो आपको अपनी practice establish करने के लिए you have to establish yourself in the commercial field so that people can have faith in your knowledge and wisdom and also they are क्लियर दैट यस यू कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम. तो उतनी अंडरस्टैंडिंग, उतना फेथ आपको लोगों में डेवलप करना पड़ता है. इट इज लाइक अ डॉक्टर. आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले आपको लगता है ना कि यार ये डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम को समझ के सही दवाई दे सकेगा. सिमिलर इज द पोजिशन ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. उसको ये एस्टेब्लिश करना पड़ता है अपने आप में कि यस वो लोगों की समस्याओं को सुलझा सकेगा और उतनी नॉलेज और कमिटमेंट और ऑनेस्टी इन हिज प्रोफेशनल अप्रोच इज देयर. इन दैट केस जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी हर्डल्स आती हैं, वो इजीली ओवरकम की जा सकती हैं. वो कोई बहुत लंबा चौड़ा इशू नहीं होता है बच्चों. ग्रेट. सो मुझे लगता है कि सर ने बहुत से इश्यूज क्लियर किए हैं. सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताई है पूजा और श्रुति और खुशबू, जो हमें अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए, दैट इज योर पैशन, योर इंटरेस्ट. क्योंकि सबसे बड़ा फोर्स वही है जो आपको आगे लेके जाएगा, जो आपको स्ट्रगल, चैलेंज और एक्साइटमेंट देगा. सो मैं चाहता हूँ कि इस इम्पोर्टेंट बात को हम अंडरस्टैंड करें कि, और मुझे खुद भी इंसाइट मिला कि कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही एक्सेलेंट हो अकाउंटेंसी में, देन एंड देन यू हैव टू परस्यू दिस प्रोफेशन. इसके अलावा भी आप इसको आगे ले जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी रिमार्केबल comment on suggestions on part of sir. So thank you so much sir. मैं आपको thank you बोलना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि श्याम जी भी हमें बताएं, CS श्याम अग्रवाल भी हमारे बीच में हैं. So sir एक question सबके दिमाग में चलता है. कुछ बच्चों को लगता है we are equally good in theory and equally good in accountancy. तो कौन सा प्रोफेशन उनको सेलेक्ट करना चाहिए और क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि हम तीनों ही प्रोफेशन जो है वो बहुत अपीलिंग है. सो क्या एक तरीका हो जिससे बच्चे डिसाइड कर सके कि उन्हें इन तीनों में से कहाँ चिक लगाना चाहिए. ओवर टू श्याम अग्रवाल सर. थैंक यू संजय जी एंड थैंक यू टीम बियानी फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम फॉर्चुनेट that I got the opportunity to share my thoughts along with CA Rajiv Sogani ji and Harin ji. And I don't know how many of you are aware or not. Am I audible properly? Yeah. Yes, sir. Yes, yeah. I don't know how many of you are aware or not. On an average, I received, I think, one or two call in a month. Students are asking me, sir, ye jara Rajiv ji ke yahan hamari article ship kara do. You know, so don't embarrass me, please. And then it's a reality. It's a reality. So it's my opportunity that I'm sharing virtual platform with you, sir. And friends, one thing more, we are fortunate to have leaders like Sanjay ji and Rajiv ji, you know, Biani. They are doing extremely good job. And I may say we are fortunate to have them, you know, who are always willing to contribute their personal time and talent for the overall development of the society. So thank you, and thank you Devika ma'am for inviting me. So my pleasure, sir. Yeah, as far as you know, the query by
संजय जी कि हमें कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए, बट बिफोर दैट वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू बिकॉज राइटली पॉइंटेड आउट बाय द राजीव सर, उसको मैं दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि फर्स्ट आइडेंटिफाई योर कोर स्ट्रेंथ देन ओनली चूज योर प्लेइंग फील्ड. अभी प्रोबेबली आई एम द ओनली प्रोफेशनल इन द कंट्री हु इज होल्डिंग इंडिपेंडेंट पोजिशन इन ऑल द थ्री इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंटली. I am the member of quality review board of ICAI, the member of appellate authority of all the three institute, and I am the chairman of the valuation company of the cost accountant institute. So generally I used to have number of interaction with the young students. To main kya dekhta hu ki bacche generally course mein admission kyon lete hain, kaun sa course lena, that is a secondary part. Wo to baat ki baat hai, pehle hame kyon lena hai. Hum R&D nahi karte, hum prospectus nahi padhte. Kisi ne kaha CA karo, Rajiv ji ko dekha CA kar liya, चलो यार सीए करते, मेरे को देखा सीएस कर लिया, या नहीं ऐसे मत करो, आपको सीए करना है सीएस करना है. उससे पहले सबसे पहले आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई करो कि मेरी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, फिर जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड से आपकी कोर कॉम्पिटेंसी को उस फील्ड की रिक्वायरमेंट को मैप कराओ. यदि वो मैच हो रहा है तो गो अहेड, मैच नहीं हो रहा है देन प्लीज डोंट गो अहेड. सपोज करिए आप कॉमर्स में हैं, आपको लगता है नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर द कॉमर्स, जनरल ऑप्शंस क्या होते हैं, हम सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं और ऐसे, तो आप उन लोगों से मिलो जो ऑलरेडी उस फील्ड में हैं, ठीक है ना, तो वो आपको बताएंगे कि व्हाट आर द रियलिटीज. आप उस फील्ड के बारे में पढ़ो, उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जाकर के चेक करो एग्जैक्टली क्या है और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है. आप सीए बनिए, सीएस बनिए या कॉस्ट अकाउंटेंट बनिए, चले हम इन तीनों पे फोकस करते हैं, तो मुझे लगता है सीए सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के लिए दो या तीन चीजें यदि आप में है, ए पेशेंस, यदि आप में सब्र है, धैर्य है कि मुझे 8-10 साल मुझे मेहनत करनी है, उसके बाद में मेरा प्रोफेशन शुरू होगा. हमें एक्सेप्शन पे नहीं जाना है, एक्सेप्शन में वो कौन 2 साल में बन गया उस पर नहीं जाना. इन जनरली इट नीड्स एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ पेशेंस, हार्ड वर्किंग, क्या हम कर सकते कि नहीं कर सकते, हमारी फैमिली हमें 4-5 साल के लिए अलाउ कर सकती है कि नहीं कर सकती. मैं कल को 2-4 अटेम्प्ट लग जाते हैं तो मैं डर के भाग तो नहीं जाऊंगा. राजीव जी ने सही कहा कि आप लगे रहेंगे तो आप सीए बन जाएंगे. मेरे में रीजनेबल कम्युनिकेशन स्किल है या नहीं है, मेरे के अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है या नहीं है, मेरे को टेक्नोलॉजी के साथ काम करना अच्छा लगता है या नहीं लगता, मुझे टेक्नोलॉजी का नॉलेज है या नहीं है, यदि ये बेसिक चीजें आपके अंदर है और आप 4 या 5 साल मेहनत कर सकते हो, सो देन आई थिंक इट्स अ राइट चॉइस. बट अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को जरूर आइडेंटिफाई करना और उस प्रोफेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो तभी आपको पता लगेगी जब तक आप उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे और जो ऑलरेडी उस प्रोफेशन में बन चुके हैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे. क्योंकि डिग्री लेना इज वन पार्ट, लेकिन डिग्री से पहले आपने देखा होगा लाइफ में हर फील्ड में 1% लोग होते हैं जो लीड कर रहे होते हैं, 99% लोग ऐसे होते हैं जो फॉलो करते हैं. ऐसा क्यों होता है, आपके बियानी कॉलेज में तो बहुत सारे बच्चे निकले ना, ऐसा क्यों होता है कि उन बच्चों में से पूछे कि बच्चे हैं जो राइज करते हैं, सारे बच्चे, क्या संजय जी ने डिफरेंशिएट किया है, नहीं, क्या मैडम ने डिफरेंशिएट किया है, नहीं, फिर ऐसा क्यों होता है कि 1% लोग किसी भी फील्ड में, कितने सारे पॉलिटिशियंस आप पूछे को क्यों जानते हैं, कितने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राजीव जी को ही क्यों बुलाया, कितने सारे कोस सीएम है, हरेन जी को ही क्यों बुलाया. तो जो 1% और 99% का फर्क हम लोगों को समझना होगा, तो जो 1% और 99% का जो फर्क है ना वो इतना सा है, 1% बच्चे वो हैं जो पढ़ाई के दौरान कुछ चीजें एड ऑन करते हैं जो बाकी बच्चे नहीं करते. बाकी बच्चे सिर्फ डिग्री लेने पे फोकस करते हैं. टेक माय वर्ड्स, यदि आप घबरा के बीच में नहीं छोड़ोगे तो चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट हो, मैं कहता हूँ दुनिया की कोई भी डिग्री हो, हर डिग्री में टॉप है. यदि आप कहते हो कि मनी इज द क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस, देयर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर वो आर अर्निंग यू नो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. आप कह सकते हो कि नहीं सर सोशल रेस्पेक्ट इज अ क्राइटेरिया, तो कितने सारे लोग हैं जिनके समाज में एक सोशल रेस्पेक्ट है. बट एट द सेम टाइम ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, कंपनी सेक्रेटरी भी है, डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, वो बहुत अच्छा अर्न नहीं कर रहे हैं, उनकी ऐसे कोई रेस्पेक्ट नहीं है. तो मेरा कहने का मतलब डिग्री पर से इस चीज की गारंटी नहीं है कि आपको सोशल रेस्पेक्ट या मनी मिलेगी. उस डिग्री लेने के दौरान आप एड ऑन क्या करते हो वो बहुत मैटर करता है. True, true. Very true, sir. In fact,
कई सारे हमारे सर बच्चे हैं वो सीएस का या सीए का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले वो लोग समझते नहीं है कि एग्जैक्टली ये किस बारे में है, क्या करिकुलम है, कि बस वो ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, इसलिए एक वो एक भेड़ा चाल चालू हो जाती है. तो सर इनफैक्ट दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म वेयर इन वी वुड लाइक टू नो कि सर एज अ सीए और एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कंपनी सेक्रेटरी की, और इस कोर्स में एग्जैक्टली सर क्या पढ़ाया जाता है. When I talk about the company secretary, as you all know, when we talk about the chartered accountant or a company secretary or a post accountant institute, all three are the statutory bodies. These are not the private bodies. These private bodies nahi hai, and aapka Biyani College is authorized by our institute, company secretary institute, as a study center. So it's not a private body. A government ki body. Aur India mein tino institute ke alawa koi bhi aapko CA, CS ya post accountant ki qualification nahi de sakta. So, A, if you are a chartered accountant or a company secretary or post accountant, first you need to qualify the exam, jo bhi respective exam or plus training. Uski detail ke liye aap tino institute ki website ko visit kiye, prospectus padhiye. I think wo bahut lamba ho jayega yadi main us detailing mein jaunga. Theek hai, wahan se aapko detail mil jayegi. Uske baad ek important factor aata hai ki aap training kahan se karte hain. I think training is the most important part of all the three. To wo aap achhi jagah se means ki jaise jahan jisi bhi professional ke paas karo uske paas खुद के पास काम अच्छा होने चाहिए, और बच्चों में ना एक मोबिलिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैं सीकर से हूँ तो मैं जयपुर नहीं आ सकता, यदि जयपुर में अच्छा वर्क है तो आपको जयपुर आना ही पड़ेगा. मैं लड़की हूँ सर, मेरे घर वाले मुझे अलाउ नहीं करते हैं. एक चीज़ आप समझिए कि देखिए, ये बेसिकली सी ए सी एस और कॉस्ट अकाउंटेंट से आप इन जनरल कॉरपोरेट की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सी ए बन के आप कॉरपोरेट में जा रहे हैं, पर जनरली मेजोरिटी ऑफ द केस में आपकी जो प्लेइंग फील्ड है दैट इज द कॉरपोरेट. अब कॉरपोरेट में राजस्थान में कोई बड़े कॉर्पोरेट नहीं है तो नहीं है, उसमें इंस्टीट्यूट क्या करेगा या बियानी कॉलेज क्या करेगा, बिकॉज वो तो हमारी पॉलिटिकल डिसीजंस, पॉलिटिकल विजडम, इकोनॉमिक सिचुएशन, बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है. तो आप एक माइंडसेट लेकर रखिए, यदि आप सीएससीएस कर रहे हैं तो हो सकता है आपको मोबिलिटी रखना होगा. तो आप क्या आपके पेरेंट्स अलाउ कर सकते हैं, क्या आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर मूव कर सकते हैं क्या, मान लो आपने एंट्री किया उसके बाद ट्रेनिंग के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा तो आप बाहर जा सकते हैं क्या. जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे, एग्जाम पास कर लेंगे, देन यू नीड टू बी अ मेंबर ऑफ अ इंस्टीट्यूट. जब तक आप मेंबर नहीं बनेंगे, अनटिल और अनलेस यू बी मेंबर ऑफ एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते. अब सीए सीएस कॉस्ट अकाउंटेंट के पास दे हैव टू ऑप्शंस, इधर दे मे बी इन अ प्रैक्टिस और दे मे बी इन अ जॉब. ठीक है, प्रैक्टिस लाइक एन एडवोकेट आप, और देर आर सर्टेन वर्क्स विच आर एक्सक्लूसिवली यू नो आई मे से रिजर्व फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी कॉस्ट अकाउंटेंट. मान लीजिए टैक्स ऑडिट है, एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सेक्रेटरियल ऑडिट, इट्स अगेन एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी. कॉस्ट ऑडिट, इट्स अ डोमेन ऑफ अ of a cost accountant. As far as company secretary is concerned, there is one additional privilege to a company secretary employment, because every company having certain paid up capital has to appoint a company secretary. Ye mere khayal se duniya mein ek do countries ke alawa kisi bhi country ke paas aise exclusive recognition nahi de raha hai kisi profession ko jo company secretary ke paas hai. Aur main hamare institute ka ek data share karunga, to out of our students 60% students are the girls, because it's more convenient टू गर्ल्स. यू नो ऐसा नहीं है कि इट्स अ गर्ल्स प्रोफेशन, लेकिन बच्चियाँ अभी बहुत आ रही है, क्योंकि बच्चियों की जो स्कूलिंग मैंने देखा है, अच्छी स्कूल से बच्चियाँ पास आउट होकर आ रही है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, दे आर मोर प्रेजेंटेबल, दे हैव अ गुड ऑरेटरशिप, तो वो बच्चियाँ इस प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छा. अच्छा, इसके अलावा ये तो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल एरिया के अलावा, आई डोंट नो बच्चा आप लोग कितने अवेयर हो या नहीं हो, अभी रिसेंटली बहुत सारे नए कानून आए हैं, लाइक इंसॉल्वेंसी इज अ न्यू एक्ट, देन वैल्यूएशन इज अ न्यू एक्ट, तो आर्बिट्रेशन अगेन यू नो उसका एक पॉपुलराइज हुआ है. ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं वेर इन ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीज आर अथोराइज टू अपियर बिफोर द वेरियस यू नो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज. तो कहने का मतलब, आप सीए सीएस पोस्ट अकाउंटेंट बन के ए आप जॉब कर सकते हो, बी आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, सी यदि आपको लगता है कि सर मुझे तो कोर्ट में एज अ लॉयर प्रैक्टिस करनी है, एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, तो आप वो भी कर सकते हो, एक्सेप्ट हाई कोर्ट और ये जो आपका जो जो लोअर कोर्ट्स है उनको छोड़ करके majority of the tribunals mein the all the three professionals are eligible to appear and argue before. Aur mere khayal se main kai baar lighter side mein kehta hu na ki paisa to corporate mein hi hai, hai if money is your criteria, hai na, baki to dhanke murder aajkal kahan hote hain lighter side. Bilkul sahi hai sir. BSc LLB
सो साइमल्टेनियसली कितना ठीक है कि लॉ प्रोफेशन एंड कंपनी सेक्रेटरी, अगर कोई पर्सन कोई स्टूडेंट 5 ईयर लॉ के साथ साथ अगर कंपनी सेक्रेटरी कर लेता है, उसे क्या एडेड एडवांटेज है? क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है. Recently we have started 5 year law course as well. I got it. If Devika madam permits me, थोड़ा सा इस सेशन को, because मतलब impression was given कि थोड़ा सा हमें जनरल भी बच्चों को रखना है, तो मैं थोड़ा सा सेशन को जनरल लेकर के, then I'll try to link with your query, Sanjay ji. Allow me to share a story. Can I share a small story to the students parrot and peacock. क्योंकि आपकी वो famous story है जो बहुत ही इंस्पायरिंग है, जिसमें आप एक तोते की कहानी और एक कौवे कौवा कैसे इंस्पायर्ड होता है और फिर बाद में उसे क्या समझ आता है. अच्छा वो वाली, अच्छा वो सुनानी है, मैं दूसरे सुनाना चाह रहा था, चलो वो सुना देता हूं. आप वही सुनाइए जो आप सुनाना चाहते हैं, पर वो आपके से हमने सुनी है और मुझे अभी तक मेरे जहन में ख्याल से बच्चों ने नहीं सुनी. हां वो चलो वो सुना हो जाएगी, मैंने लगता है इसमें सुनाना चाहते हैं जो आपके दिमाग में आ रही, प्लीज कैरी. हां एक्चुअली क्या है ये जो आपने क्वेरी की, आजकल एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है. कंफ्यूजन मैं सीए कर रहा हूँ साथ में क्या करूँ, सीएस कर रहा हूँ उसके साथ में क्या करूँ, सीए सीएस सीएमए बन गए उसके बाद, आप तो भी स्टूडेंट हो, वी आर इंटरेक्टिंग विद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन द नंबर ऑफ मेंबर्स रादर आई से हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 30 और 35 एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग कि सर मैं सीएमए के साथ लो कर लूँ या सीएस के साथ एलएलबी कर लूँ, सर सीए के साथ एमबीए भी कर लूँ, अभी कुछ आईएम्स ने कुछ एग्जेम्पशंस के साथ आए हैं. फ्रेंड्स बिलीव मी, एक डिग्री बहुत है. यदि आपको अपने आप पे ट्रस्ट है तो एक डिग्री बहुत है. देयर इज नो नीड टू हैव एडिशनल डिग्री. देखिए आपको अंग्रेजी का बहुत अच्छा नॉलेज है, अच्छी बात है, आपके पास एडिशनल डिग्रीज है, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए कोई मना ही नहीं है. लेकिन ये कंपल्सन है ऐसा कुछ नहीं. यदि आप कंपनी सेक्रेटरी हो तो आज की डेट में कंपनी सेक्रेटरी के पास इतना काम है कि उसको दूसरी डिग्री करने की जरूरत नहीं है. देर वॉज अ टाइम यू नो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट सब कुछ देख लेता था, लेकिन अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्सेशन इतना बड़ा हो गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्सेशन को संभाल ले वही बड़ी बात है, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी लॉ को संभाल ले वही बड़ी बात है. यू नो तो डॉक्टर्स में भी आपने देखा होगा ना, पहले एक होता था कार्डियोलॉजिस्ट, आंखों का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर, उसमें भी अभी और माइन्यूटली आ गया एमसीएच, मतलब कार्डियो में भी छोटे छोटे डॉक्टर की, हमारे दिल में कोई छोटा सा एक एक नर्व नर्व जा रही है, वो डॉक्टर सिर्फ उस नर्व का डॉक्टर है. यू गॉट माय पॉइंट? तो कहने का मतलब आप लोग एक डिग्री कर सकते हो कोई भी, लेकिन जब आप डिग्री कर रहे हो तो प्लीज हैव अ ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, मैं जिस कॉलेज से कर रहा हूँ वो कॉलेज अच्छी. यदि आपको अपनी डिग्री और अपनी कॉलेज पे ट्रस्ट नहीं है ना, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप कहीं से भी कर लो, आप बियानी स्टडी सेंटर को छोड़ करके आप दिल्ली के किसी स्टडी सेंटर से कर लो या कहीं से भी कर लो, दैट इज ऑफ नो यूज. और सेकंड चीज है कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दो, और कंफ्यूजन रहेगा, तुम्हारी गलती नहीं है, इस एज में कंफ्यूज होना स्वाभाविक है, कंफ्यूज होना भी चाहिए. आप कंफ्यूज हो रहे हो अच्छी बात है, लेकिन कंफ्यूजन तब हो जब आप R&D कर रहे हो, आप कंपनी सेक्रेटरी के 5-7 लोगों से मिले, सीए से मिले, आपने R&D करी, वेबसाइट वगैरह एक्सप्लोर करी, इतने सारे ऑप्शंस लिए, अच्छी बात है, फिर उसमें धीरे 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 कम करके एक ऑप्शन जो फाइनल कर लिया ना उस पे गो अहेड करो. ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद जाकर के उस पे वापस आप अंडू करने की कोशिश करो. अच्छा दूसरी चीज, आपको लगेगा सर कैसी बातें कर, मैं कहता हूँ 2 साल बाद आकर के आपको लगे कि सर हमसे गलती होगी, मेरे को तो आर्किटेक्ट में बनना चाहिए था, मुझे तो इंजीनियर बनना चाहिए था, मुझे तो पॉलिटिशियन बनना चाहिए था, तो आप एक काम करना 2 साल बाद जा करके छोड़ देना, यू टर्न ले लेना, जबरदस्ती मत करना. वो होता ना हमारे यहाँ शादी हो गई हम एडजस्टमेंट करते रहते हैं, वैसे डिग्री ले लो, डिग्री से प्यार हो जाए पहले तो प्यार करके डिग्री लो, प्यार नहीं हो तो प्यार करने की कोशिश करो, फिर भी प्यार नहीं होता ना तो छोड़ दो, वेट मत करो किसी मिरेकल का, वेट मत करो, ठीक है ना, कि कोई भगवान आएगा और मेरे कान में आकर के बोल देगा कि बेटा तू ये सीए कर ले तेरे लिए अच्छा है, कोई कान में नहीं बोलने वाला, कोई भगवान आकर के नहीं बताने वाला, आपको ही मेहनत करके अपना टिक करना होगा कि मुझे इस फील्ड में जाना. लेकिन जिस भी फील्ड में जाओ बिलीव मी सक्सेस तीनों प्रोफेशन में है, इट मे बी सीए, इट मे बी सीएस, इट मे बी सीएमए. प्रॉब्लम हमारी है कि हम सक्सेसफुल लोगों को नहीं जानते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम है, प्रोफेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है.
और वन थिंग मोर, चूंकि एक 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 ये कार है, जनरली मैंने क्या देखा है राजीव सर, संजय सर, बच्चे ना कोई भी मिले, यू नो, कोई टॉम डिक एंड हैरी जो भी मिल गया उसी से एडवाइस लेना शुरू कर देते हैं. प्लीज डोंट डू दैट. जब आप किसी से एडवाइस ले रहे हो ना तो दो चीजें जरूर देखा करो. ए, क्या जिस सब्जेक्ट की हम एक्सपर्ट एडवाइस ले रहे हैं वो उस सब्जेक्ट के अंदर डील करता है या नहीं करता, या उसको उस विषय का नॉलेज है या नहीं. आज आप मेरे से पूछो सर मुझे होम्योपैथी में जाना है और मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, हाउ जस्टिफेबल आई एम, कितना मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा, है ना. और सेकेंड थिंग, उसको क्या फर्क पड़ता है उसके आउटकम से. आज बियानी का बच्चा टॉप करेगा या कल को बड़ा आदमी बनेगा बियानी की बच्ची, तो बियानी वालों को फर्क पड़ता है पर्सनली और प्रोफेशनली और रेवेन्यू वाइज भी. पर्सनली यार ये बच्चा हमारा था, प्रोफेशनली और बच्चे जुड़ेंगे, यू नो, रेवेन्यू वाइज हमारी इंस्टीट्यूशन का नाम होगा. तो बियानी वाले हमेशा चाहेंगे कि यार हमारी बच्चियां आगे जाए, तो वो आपको कभी भी गलत एडवाइस नहीं करेंगे, ठीक है. तो आप जब भी किसी से एडवाइस लो तो दो बातें जरूर देखना. ए, कि वो एडवाइस करने की स्थिति, मतलब कॉम्पिटेंट है या नहीं है, और दूसरा उसको कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा उस आउटकम से. बिल्कुल सही. इनफैक्ट सर, अभी ये सब सुन के जो आपने बोला, मेरे कॉमर्स के बच्चे बहुत खुश हुए होंगे जो बीकॉम या बीबीए के साथ जो है वो सीएस कर रहे हैं, तो उनकी एक ये टेंशन कम हुई कि हमने बीए एलएलबी का कोर्स ना लेकर बीकॉम या बीबीए ले लिया तो हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी. सो आई एम सो हैप्पी सर कि कोई भी कोर्स लें, आपने कहा कि कोई भी कोर्स लें और उसके साथ पैशन के साथ सिर्फ एक कोर्स उस पर ध्यान दें, डिग्री पे ध्यान दें, प्रोफेशनल डिग्री पे, तो अपने आप ही एक्सेल करेंगे लाइफ में. इनफैक्ट इससे सर मैं आपके खुद के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी सर, कि एज अ प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी आपकी जर्नी एज फ्रॉम द स्टूडेंट लाइफ किस तरह की रही, और आपने सर कैसे ठाना कि नहीं मुझे सीएस ही करना है और इसी प्रोफेशन में एक्सेल करना है. देविका, मैं बताना चाहूंगा कि श्याम अग्रवाल जी जो है यंगेस्ट कंपनी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बने शायद. Yes. इतनी कम उम्र के अंदर मैंने देखा कि इन्होंने अपने स्टडी सर्किल करने में, अपने जो ये साथी यंग कंपनी सेक्रेटरी उनको टीचिंग करने में जो शिद्दत से काम किया है, मैंने शायद ही ऐसे किसी को इतनी यंग एज के अंदर करते हुए देखा है. सो ये एक बहुत ही रिमार्केबल बात है जो सोगानी साहब की बातों को भी रिकॉग्नाइज करती है, प्रूव करती है कि यू हैव टू एंजॉय योर वर्क. आप एक डिग्री काफी है, वो दूसरी बात को भी रिकॉग्नाइज करती है कि आगे बढ़ने के लिए एक ही डिग्री काफी है. अगर आप उसे शिद्दत से करते हैं और आप उसको एंजॉय करते हैं और उसके साथ जस्टिस करते हैं और उसे जीने की कोशिश करते हैं और उसमें कुछ देने का एटीट्यूड है आपका, सो हम सब लोगों को एक बार ताली बजाना चाहिए जहां भी हम बैठे हुए हैं. अग्रवाल सर से ये प्रेरणा लेनी चाहिए सभी बच्चों को कि लाइफ जो है वो एंजॉय करनी चाहिए और शिद्दत से जीनी चाहिए और पैशनेट रहना चाहिए. ओवर टू श्याम सर. मेरी लाइफ की स्टोरी ना बहुत ही ड्रामेटिक है, तो वो तो मैं डिटेल में किसी दिन सुनाऊंगा. लेकिन राजीव सर ने कहा, राजीव सर से जस्ट रिवर्स है. मैं गांव में जन्मा और जनरली, मतलब मैं आई अवॉइड टू शेयर माय स्टोरीज. उसका रीजन क्या होता है, जो बीत गया सो बीत गया, यू नो, लाइफ में बार बार उन एक्सक्यूजेस को. लेकिन बच्चों एक चीज मैं कहना चाहूंगा, क्रक्स ऑफ माय स्टोरी, कि जितने भी एक्सक्यूज तुम्हारे दिमाग में है ना, मैं गांव वाली हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे पिताजी गरीब हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, काश में इंग्लिश मीडियम में होती, काश में इस कॉलेज में होती, काश ये होता, काश वो होता, जितनी की जितनी एक्सक्यूज तुम ले सकते हो ना, वो सारे एक्सक्यूज मेरी लाइफ में थे, सारे के सारे, बल्कि एक आध ज़्यादा ही होंगे. एक बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड, एक टिपिकल छोटे से गाँव में पैदा हुआ, एंड यू नो यू कांट बिलीव इट. मैं जब 10th में आया, 10th में भी मतलब मैं 5th तक इंटेलिजेंट था, लेकिन उसके बाद सडनली मेरा कंट्री चेंज हो गई, तो मुझे हिंदी से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट किया, तो मेरी हालत ख़राब होगी, मुझे कुछ नहीं आता था बिकॉज आई लर्न ए फॉर एपल व्हेन आई वाज इन द 6th स्टैंडर्ड. सो इज अ केस विथ मेनी ऑफ अस सीनियर्स जो भी हैं. तो 6, 7, 8, 9 तक, 8th तक तो मुझे बाई ग्रेस स्कूल वालों ने पास किया. मेरे मैथ्स में स्टार्ट ला, मेरे 100 में से 6 नंबर आते थे. दैट वाज माय यू नो सिचुएशन व्हेन आई वाज इन द 6th स्टैंडर्ड. तो मेरी मदर ने आई रिमेम्बर की प्रसादी बोली थी भगवान के, कि मैं ना एक बड़ी प्रसादी करूंगे, लड़का 10th पास कर लेगा.
एंड द ओनली रीजन इज कि ये 10th पास कर लेगा तो इसकी शादी हो जाएगी, अदरवाइज कोई इसको लड़की नहीं देगा, यू नो. एंड आई नेवर थॉट ऑफ कि मैं कभी 10th भी पास कर लूंगा, एंड दैट वाज अ रियलिटी. एंड शादी हो जाएगी तो मेरे मामा जी का ना एक छोटा सा बिजनेस था. बिजनेस भी क्या था, वो होलसेल से कुछ कॉस्मेटिक के आइटम्स लेते थे, रिटेल वाले को दिखाते थे, रिटेल वाले से ऑर्डर लेते थे, कॉस्मेटिक के पास जाते थे, बीच में उनको थोड़ा सा कमीशन या ब्रोकरेज मिलती थी. तो फैमिली का यह था कि मैं भी उन्हीं को ज्वाइन कर लूंगा और 2-3 हज़ार रुपये महीने के मेरा हो जाएगा. दैट वॉज अ रियालिटी, ठीक है. एंड दैट डे आई लिटरली से मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं सी एस कर लूँगा, LLB करूँगा, LLM करूँगा, PhD करूँगा, इंटरनेशनल डिग्री लूँगा इकोनॉमिक्स में, मतलब यू नो. और इतनी, मतलब आज राजीव सर मुझे सुन रहे होंगे, मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था, इवन तो मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा था. तो मेरा कहने का मतलब, लाइफ जो है ना टर्न लेती है हर बार, अच्छा और बुरा. ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको बोलना नहीं आता, आज बोलना नहीं आता तो आप कल नहीं बोल सकते, आज अंग्रेजी नहीं आती तो कल नहीं आएगी, आज आप गरीब हो तो कल भी गरीब रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में. अच्छा ये भी नहीं है कि आज आप इंटेलिजेंट हो गए, आप 12th के अंदर रैंक होल्डर हो गए तो ग्रेजुएशन में अच्छा करोगे. कंसिस्टेंसी चाहिए, वो कहते हैं ना इंटीग्रिटी, इट्स नीड्स अ कैरेक्टर, करेज एंड कंसिस्टेंसी. हमें कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना होगा. मैंने 10th में अच्छा परफॉर्म किया, देन एनुअल सरप्राइज, जब मैंने 10th किया तो आई गॉट 73%. आई वॉज वन ऑफ द टॉपर ऑफ माई स्कूल, यू नो. एंड देन 12th मेरा अच्छा रहा, ग्रेजुएशन मेरा अच्छा रहा. देन फिर हम लोग कन्फ्यूज हो गए, तो हमारे आज के 15 साल पहले जब हम गांव में रहते थे तो फिर सीकर आ गए, तो हमें लगा कि 12th के बाद ही लाइफ शुरू होती है, तो पहले 12th कर लेते हैं. 12th किया, फिर लगा लाइफ ग्रेजुएशन के बाद शुरू होती है, ग्रेजुएशन तक तो कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन करना बस. ग्रेजुएशन करते रहे, हमने कभी नहीं सोचा कि लाइफ ग्रेजुएशन के साथ ही शुरू हो जाती है. जैसे यू आर फॉर्चुनेट कि आप लोगों के पास तो गूगल है, विकिपीडिया है, बियानी कॉलेज वाले ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आपके ऐसे एक वेबिनार करा रहे हैं. हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था, एटलीस्ट जहां हम रहते थे, तो हमें लगता था ग्रेजुएशन के बाद शुरू होगी. फिर किसी ने कहा MBA करो, MBA के लिए क्या करना है, KET की तैयारी करनी है, KET कहां से करनी है, अहमदाबाद से करनी है, हम लोग चले गए अहमदाबाद. फिर बाकी आ गए, किसी ने कहा कंप्यूटर अच्छा है, हम कंप्यूटर में चले गए, फिर वहां से छोड़ के आ गए. तो कहने का मतलब, फिर ऐसे ही किसी ने कहा CS कर लो, फिर जयपुर आ गए CS करने के लिए, यू नो, पास हो गए. फिर एकदम से थोड़ा सा प्राउड फील हो गया कि नहीं यार, अब हम तो इंटेलिजेंट हो गए, अब तो लाइफ में यू नो CS बनेंगे. फिर सडनली लाइफ में टर्न आया, फिर मैं एकदम से फेल हुआ एक दो बार, फिर वापस एहसास हुआ कि लाइफ में शॉर्टकट नहीं होता, तो फिर मैंने तो मेरा कहने का मतलब जो क्रक्स है वो ये है कि लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है. इसलिए प्लीज अपना जो प्रेजेंट है ना उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो. मतलब यू मे टेक मी एज एग्जांपल, यू टेक यू नो एनीवन, राजीव जी, हरिंदर जी और कितने भी सारे, और हमें इंस्पायर्ड होने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है. हमारे परिवार में से बहुत सारे लोग होंगे जिनसे हम इंस्पायर्ड हो सकते हैं. और एक चीज और बच्चों, आपसे भी बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं और आपको पता ही नहीं है. आपके परिवार में आपकी छोटी बहन, आपका छोटा भाई, कितने सारे बच्चे हैं जो आपको देख करके बड़े हो रहे हैं, ठीक है ना. जैसे मैं अभी कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमें ना सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. यदि आप बिना सेल्फ डिसिप्लिन के, बिना करेज के, बिना कैरेक्टर के, बिना इंटीग्रिटी के, ठीक है ना, आप लोग डिग्री तो ले लोगे लेकिन लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाओगे. आपकी मैडम ने आपको 2 बार कहा कि आप सब लोग वीडियो ऑन करिए, सिर्फ 2-3 बच्चों ने वीडियो ऑन किया. विषय ये नहीं है, ठीक है ना, विषय ये नहीं है कि हमें आपका चेहरा देखना है, विषय ये है कि इट शोज हाउ सीरियस एंड सिंसियर यू आर. आप सोचिए, जब जहां पे हमारे करियर को लेकर के चर्चा हो रही है, यदि वहां पे हम सीरियस और सिंसियर नहीं है, तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि आने वाले समय में भविष्य की और बातों को लेकर के, या जब राष्ट्र निर्माण की बात आएगी, नेशन बिल्डिंग की बात आएगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात आएगी, या आप जिस भी फील्ड में जाओगे, तब आप अपने कर्तव्यों को लेकर के कितना सीरियस होगे. ये छोटी छोटी बातें है ना, ये चीजें इंडिकेट करती है. और छोटी छोटी बातों से जो लोग बैठे हैं वो आपको जज कर लेते हैं. तो इसलिए इन हैबिट्स को ना आप अभी से चेंज करना. डिग्री, मैंने कहा ना, अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिप्यूटेशन, टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग यू गाइस, आप सब लोग लाइफ में ना कोई CS, CMA कुछ भी हो, सब बन जाओगे, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें ना, ये जरूर एड ऑन करना. वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू. सबसे पहले एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन्ड पर्सन बहुत बनना जरूरी है. और सर आपकी लाइफ से हमने ये सीखा है कि व्हेन लाइफ स्टार्ट थ्रोइंग लेमन्स ऑन यू, यू मेक लेमोनेड, एंड दैट्स व्हाट यू हैव डन सर विद योर लाइफ. सो इट इज ट्रूली इंस्पायरिंग एंड अमेजिंग सर, द वे यू हैव यू नो हैंडल्ड योरसेल्फ ऑल थ्रू योर लाइफ. एंड
the way you have, you know, brought up your career and your personality, that we all have started looking up to you. And you have become an inspiration, I think, in today's webinar, definitely for each and every student. I think she will start looking up to you and would love to be like you, sir. And at the same time, I think, sir, a very, very important thing which you actually explained and taught us, that nothing is impossible in life. If you are determined to do something, then definitely you can achieve that. But it is just that motivation and that determination has to be within you. So I'm so impressed, sir, and thank you so much, sir. On this note, sir, I would like to invite CMA Harendra Parekh, sir, to share his views on this course of CMA. Sir, ye cost management accounting ka jo course hai, sir, se ye exactly, sir, iski kya curriculum hota hai aur ye course jo hai, sir, iske liye kya traits ki zarurat hoti hai, sir? Sir, Parekh sir is with us only, I think. First of all, thank you to BNE College for inviting me. Welcome, sir. Sanjay sir, ek bar hamare institute aaye the, ek program mein maine inko invite kiya tha, aur inhone bahut acche se motivate kiya tha. Wahan sabse achhi baat thi ki sab inhi ki field ke log the, education field ke hi log the. Dialogue with Gurujan ek program humne karwaya tha, जिसमें सीएमए कोर्स के बारे में हमने सारे वहाँ पे टीचर्स, प्रिंसिपल, डायरेक्टर ऑफ कॉलेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जो भी डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल्स टीचर्स थे, वहाँ पे संजय सर को हमने चीपीएस बनाया था और इन्होंने बहुत अच्छे से उन सारे टीचर्स को भी मोटिवेट किया था. बहुत अच्छा लगा हमें, हमने खुद ने सर को सुना, मैंने सोगानी सर को सुना, रियली मैं इंस्पायर हुआ. मैं वैसे खुद 110 के आसपास करियर काउंसलिंग और सेमिनार्स ले चुका हूँ, लेकिन जब मैं सोगानी सर को सुनता हूँ, रियली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. और श्याम सर का तो मैं वैसे ही बहुत बड़ा फैन हूँ. मैं भी सर सिकर से फलसाना से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लोग हमारी सीएमए फ्रेटर्निटी में बोलते भी हैं कि कोई दिन तू श्याम सर बन के निकलेगा, ऐसा है. मैं वैसे इसलिए आपका सबसे बड़ा फैन हूँ सर. तो मैम, ये तो एक छोटा सा एक मजाक हो गया. एक जब मैं दोनों को सुन रहा था, सर को, हमारे सीनियर सर को सुन रहा था, इधर संजय बियानी सर को सुन रहा था, तो मुझे लगा कि हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो होता है जब तक उसकी पिक्चर रिलीज नहीं हो जाए. यानी कि कुछ लोगों की फिल्में जो है रिलीज नहीं होती, अदरवाइज वो भी अपनी लाइफ में हीरो होते हैं. तो हर कोर्स जो है, जो भी, जैसे मान लो सीए किया किसी ने, सीएमए किया किसी ने, सीएस किया, तो सबका अपना अपना वजूद होता है. तो जिसने सीए किया वो सीए की लाइन में अच्छा करेगा, जिसने सीएस किया सीएस की लाइन में अच्छा करेगा, जिसने सीएमए किया सीएमए की लाइन में अच्छा करेगा. करना और कैसे है, क्या करना है, इसके लिए कैसे ज्वाइन करना है, ये बच्चों को समझाना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है. जो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा संजय बियानी सर को और मिथिका मैडम आपको, कि आपने बच्चों के लिए ऐसा कोई सेशन रखा. क्योंकि हमारे टाइम में, जैसा श्याम अग्रवाल सर ने बताया या सोगानी सर ने बताया, कि हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था. अब मेरा टाइम तो कोई ज्यादा पुराना भी नहीं है, 2008-09-10 की बात है, कि मुझे आज भी याद है 2008 में जब मेरा फाउंडेशन का रिजल्ट आया था सीएमए का, तो मुझे पता नहीं चला था, 3-4 दिन बाद पता चला था कि हाँ हमारा रिजल्ट आ चुका है. तो इतनी नॉलेज तक नहीं थी. आज तो बहुत अच्छा सा, जैसे गूगल प्लेटफॉर्म आ गया, नेट आ गया, विकिपीडिया आ गया. और मैं बियानी कॉलेज की बात करूं, मेरी एक आर्टिकल भी रही हुई है, एक या दो आर्टिकल, इशिता अग्रवाल एक मेरी आर्टिकल भी थी, जिसको जो कि बीकॉम करने के साथ साथ, बीकॉम ऑनर्स वो बियानी कॉलेज से कर रही थी, और बीकॉम करने के साथ साथ सीएमए उसने क्वालिफाई किया था. और बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आफ्टर 12th अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो अप टू ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन के जस्ट एक आध साल बाद आप उस प्रोफेशनल कोर्स को कर लेते हैं. तो मैं इशिता अग्रवाल की बात कर रहा था, कि इशिता अग्रवाल ने ट्रेनिंग लेने के बाद और कंप्लीशन ऑफ द सीएमए कोर्स, उसने वेदांता में बहुत अच्छे 8 लाख रुपए के पैकेज पे जॉब लिया था. तो आप अगर किसी भी कोर्स को अगर ज्वाइन करते हैं, प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो आप कॉलेज लाइफ आफ्टर 12th अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो आप अपनी कॉलेज लाइफ को प्लस प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से जी लेते हैं. श्याम अग्रवाल सर ने जैसे बताया, मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था शुरू से लेकर के एंड तक, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी
एमिनेंट स्पीकर को सुनना, तो मैं सुन रहा था, सर ने बताया कि पहले हमने ट्वेल्थ किया, फिर हमने ग्रेजुएशन किया, फिर बाद में हमने देखा कि अब क्या करें। आज का टाइम जो है वो ऐसा नहीं है। आज आप लोगों के पास बहुत ज्यादा अच्छे से अवेयरनेस है, देखते हैं, मैं जैसे जाता हूँ स्कूलों में, आपको ट्वेल्थ की जो स्कूल्स होती है, इलेवन ट्वेल्थ स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे करियर काउंसलिंग सेमिनार्स वो ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड देन देखते हैं कि कॉलेजेस के अंदर, इवन दो जयपुर का ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसमें मैं करियर काउंसलिंग सीएमए कोर्स की करने के लिए नहीं गया, तो उन सब कॉलेजेस में कोर्सेज के बारे में बताते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है आज के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो मैं मैडम ने जैसे क्वेश्चन किया कि सीएमए कोर्स के बारे में, हमने कैसे ज्वाइन किया सीएमए कोर्स, मैं कोई एक बचपन में जैसे ट्वेल्थ हो गया था, मैं जैसे मैं एक बात और बताना चाहूंगा, सोगानी सर बहुत इंटेलिजेंट थे अप टू टेंथ एंड ट्वेल्थ, श्याम सर ने कहा कि वो बहुत ज्यादा कमजोर थे, मैं एवरेज स्टूडेंट रहता अप टू ट्वेल्थ क्लास, मैं यही 60-70 क्राइटेरिया में जाता था, कभी 70 को क्रॉस नहीं किया तो कभी 60 से लेस नहीं आया। तो जैसा सोगानी सर ने बताया कि एवरेज स्टूडेंट होना बहुत जरूरी होता है, जरूरी नहीं कि आप प्रॉपर है तो ही चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर पाएंगे, या फिर जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा वीक है तो आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप, अगर आपके माइंड में एक डेडिकेशन है, आपके माइंड में एक कंसिस्टेंसी है, आपके माइंड में पैशन है और इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, अगर थोड़ा बहुत भी आपके माइंड में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेकर के एक इंटरेस्टेड बना रखा है, आपने इंटरेस्ट बना रखा है, तो आप डेफिनेटली ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी के जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, इनको आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो एवरेज स्टूडेंट भी, जैसे जस्ट लाइक ए मी, एवरेज स्टूडेंट भी इस प्रोफेशनल कोर्स की लाइन में आ सकते हैं और कोर्स कर सकते हैं। तो अप टू 12वीं क्लास तक हमने कोई विचार नहीं किया था कि हमें क्या करना है, अप टू फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर भी कोई माइंड में ऐसा कुछ नहीं था, बट जब एक सेकेंड ईयर में किसी शादी में गए थे, और बड़ा आपको सुनकर के बड़ा ऐसा लगेगा, तो शादी में गए तो वहां पे जो हमारे, हम लड़की वालों की तरफ से थे, तो वहां पे मैं ये बात बता रहा हूँ 2007 या 2008 की, कि तो हम लड़की वालों की तरफ से थे, तो देखा कि गाड़ी दी गई है लड़के को, तो हमें लगा कि यार ऐसा क्या है कि लड़के को गाड़ी भी दी गई है, पता चला कि जो है सामने लड़का जो है कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो मैंने कहा यार ये कॉस्ट अकाउंटेंट का ये कौन सा कोर्स आ गया जो लड़का ये कोर्स करने के बाद इसको गाड़ी भी दी जाती है, तो इसको कोर्स के बारे में पूरा पता किया, तो मेरे को गाड़ी के लिए पता नहीं किया, कोर्स के बारे में पता किया, ये ऐसा कौन सा कोर्स है जो कि इस कोर्स को करने के बाद जो है गाड़ी भी दी जाती है, तो पूरा कोर्स के बारे में डिटेल से एनालिसिस किया। हमारे राम मनोहर लोहिया सर थे, हम थोड़ा बहुत उनको जाना करते थे, तो वो कोस्ट अकाउंटिंग और ये सारे सब्जेक्ट वो पढ़ाया करते थे, उनसे हमारा थोड़ा बहुत टच था, तो राम मनोहर लोहिया सर के पास गए एक बार, उनसे पूछा कि सर चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के बारे में सुना है, लेकिन सर कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको पहले प्रायर 2012 ICWA कहा करते थे, तो ICWA कोर्स के बारे में उनसे जानकारी ली, उन्होंने बताया कि बेटा बहुत अच्छा कोर्स है, प्रैक्टिस में आप जा सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, और बड़ी बड़ी जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, या हम बात करें जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर अगर हायर पोस्ट पे कोई है, अच्छी पोस्ट पे कोई है, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। आप जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो वहां पे अगर आपको बड़ी लेवल पे या बड़ी पोस्ट पे बात करें तो वहां पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जरूर होते हैं। तो हमने उनसे नॉलेज, कोर्स की पूरी नॉलेज ली और उस कोर्स को ज्वाइन किया, और आफ्टर दी कोर्स ज्वाइन इंटरमीडिएट, यानी कि मैं बताना चाहूंगा वेदिका मैडम कि इस कोर्स के तीन लेवल होते हैं, वैसे तो तीनों प्रोफेशनल कोर्स के तीन लेवल होते हैं, स्टूडेंट बताना चाहेंगे कि अगर आप इस तीनों प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो थ्री लेवल्स इन कोर्स के होते हैं, फर्स्ट लेवल जिसको हम फाउंडेशन कहेंगे, सेकेंड लेवल इंटरमीडिएट, एंड थर्ड लेवल आपका फाइनल होता है। तो मेरा इंटरमीडिएट में एक रैंकिंग भी रहा था, जैसे कि एक इंस्पायर मिला कि यस हमें इस कोर्स को पूरा करना चाहिए, और फिर फाइनल में जाकर के भी अच्छे मार्क्स आए, और आफ्टर द फाइनल मेरा सिलेक्शन भी हो गया था वेदांता के अंदर, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, हमें बाहर न जाकर के हमारे राजस्थान में ही जयपुर में रह करके ही हमें जयपुर के लोगों को ही सर्विस देनी चाहिए, तो मैं फिर कुछ टाइम के लिए हमने जॉब किया,
और बाद में प्रैक्टिस में आ गए। जी सर, इनफैक्ट सर शुरू में हमारे डायरेक्टर सर ने क्वेश्चन सिमरन से पूछा था, बट सिमरन जो है वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाई थी, तो उसने चैट बॉक्स में सर सिमिलर क्वेश्चन ही मुझे भेजा। उसने यही पूछा है कि वो उसने एमबीए के फाइनल ईयर में है और अभी तक उसने इस तरह का नहीं सोचा कि वो इस तरह का प्रोफेशनल कोर्स करे, या तो सीएस या सीएमए या सीए। तो सर क्या ये राइट टाइम हो सकता है उसके लिए आफ्टर कंप्लीटिंग हर एमबीए कि वो अब सीएमए या सीएस के बारे में सोच सके, या इज इट टू लेट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। जी सर, जैसा सर ने बताया था, लेट इंसान लेट कभी भी नहीं होता, जब जाग जाए तभी सवेरा है। तो अगर आज के माइंड में आया है कि यस उनको कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, देखो ताकत आवाज में नहीं अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आवाज में नहीं अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। तो उनके विचार अगर अब आए हैं उस प्रोफेशनल कोर्स को करने के लिए, तो यस उनको अब कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो आफ्टर 12th ही इस कोर्स को ज्वाइन कर दे या कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर दे, अगर उनके मन में अभी है और उनके पास सफिशियंट टाइम है। देखो यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, पोस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, किसी भी कोर्स की बात कर लो, इन तीनों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक बात तो जरूर चाहिए, जैसा सोगानी सर ने भी बताया, जैसा श्याम अग्रवाल सर ने बताया, डेडिकेशन। इस कोर्स को करने के लिए आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, आप कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और एक पैशन होना चाहिए कि यस मुझे ये कोर्स करना है। कोर्स कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, सीए सीएसएन सीएमए तीनों बहुत अच्छे प्रोफेशनल कोर्स हैं। हाँ, आप ये है एक बार सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे सीए करना है, सीएस करना है या सीएमए करना है। देखो तीनों का अपना अपना एक रोल होता है और तीनों अपने अपने एरियाज में जाकर के काम करते हैं। हाँ, हमने देखा कि श्याम अग्रवाल सर ने भी अच्छे से देखा होगा, सोगानी सर ने भी देखा होगा कि 90% जो प्रोफेशनल हैं वो ड्यूल डिग्री होल्डर है, यानी कि दो प्रोफेशनल डिग्रियां उन्होंने ले रखी हैं। सीए है तो सीएमए भी हैं, सीए है तो सीएस भी हैं, सीएमए है तो सीएस भी हैं। तो हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे एक साथ दो डिग्रियां ले लेनी चाहिए, तो यस आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि 70-80% कोर्स जो होता है इन तीनों प्रोफेशनल डिग्रियों का वो सेम होता है। आप बात करेंगे सीए के कोर्स की, तो सीएस और सीएमए के कोर्स की, तो तीनों प्रोफेशनल डिग्री का जो कोर्स होता है वो 70-80% जो होता है वो सेम होता है, यानी कि 20-30% कोर्स जो होता है प्रोफेशनल जो सीए सीएस और सीएमए के हिसाब से उनका कोर्स चेंज होता है। तो आप एक समय में एक डिग्री लेना चाहें बहुत अच्छी बात है, और आपका मन करता है नहीं मैं एक के साथ में एक और लेना चाहता हूँ, बाई वन गेट वन फ्री वाला सिस्टम है, और एग्जाम्स भी इनकी क्लैश नहीं करती, क्योंकि हमने देखा है कि सीए की जो एग्जाम्स होती है वो मई के अंदर होती है, और सीएस की एग्जाम जून के फर्स्ट वीक में होती है, और सीएमए की एग्जाम जून के सेकेंड वीक या मिडिल से स्टार्ट हो जाती है। तो इनकी एग्जाम ऐसा नहीं है कि कहीं एक दूसरे से टेली होती हो, और उधर अगर नवंबर और दिसंबर में बात करें तो सीए की एग्जाम नवंबर में है और दिसंबर में जो है सीएस और सीएमए की एग्जाम है, तो ये एग्जाम्स भी एक दूसरे से कहीं पे भी टेली नहीं होती। तो आप आराम से एक प्रोफेशनल कोर्स तो करें ही करें अपने ग्रेजुएशन लाइफ के साथ साथ, और दो कोर्स भी करना चाहते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि कोई भी एक स्टूडेंट जो है वो दो प्रोफेशनल कोर्स क्यों ज्वाइन करें, या फिर एक ग्रेजुएशन कर रहे हैं साथ साथ में वो दूसरा प्रोफेशनल कोर्स क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे मेरे बहुत एग्जाम्पल ऐसे देखे हुए हैं कि वो सीए कोर्स कर रहे हैं, और सोगानी सर ने जैसे बताया कि अगर फेल होने का डर है तो प्लीज इस कोर्स को ज्वाइन ना करें। तो वैसे तो किसी प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन ना करें, क्योंकि यहाँ पे हर 6 महीने से कुंभ का मेला भरता है, उस मेले में आप नहा लिए तो ठीक है, अदरवाइज 6 महीने बाद वापस से कुंभ का मेला भरता है। जैसा हमारे सर पढ़ाते थे तब कहते थे, कोई भी फेल हो जाता था उसको यही कहते थे कि भैया इस कुंभ के मेले में तेरा नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं, कुंभ का मेला 6 महीने बाद वापस भरेगा, उसमें तू फिर से ना लेना। तो यहाँ फेल होने का डर जिसको है वो प्लीज प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन ना करें। आपको अगर एक प्रोफेशनल आपने कोर्स ज्वाइन किया, पता चला कि आपने सीए ज्वाइन किया और साथ में सीएमए भी ज्वाइन किया, सीए के अंदर अगर आप फेल हो रहे हैं और सीएमए में पास हो गए तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है, सीएमए में फेल हो गए और सीए के अंदर पास हो गए तो आपको यहाँ से मोटिवेशन मिल जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों का कोर्स सेम है लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चंस आ गए जो आपको आ रहे थे,
और यहाँ पे वो क्वेश्चन आ गए जो आपको थोड़ा कम आ रहे थे या कम नहीं आ रहे, तो पता चला कि यहाँ पे आप पास होकर यहाँ पे फेल हो, तो आपको एक अलग मोटिवेशन मिलता जाता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, यानी कि अब मोर देन 50% कि वो दोनों प्रोफेशनल या तीनों प्रोफेशनल कोर्स करते जाते हैं और यस पास भी हो रहे हैं। तो आफ्टर 12th अगर आप कॉलेज लाइफ कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आप प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करें। और पता चला कि आप अप टू फाइनल ईयर आते आते आपने ज्वाइन नहीं किया और अब आपका माइंड मेकअप हुआ, या जैसे आज वेबिनार ज्वाइन किया, आपको लगा नहीं यार मुझे करना चाहिए, तो अभी भी कोई लेट नहीं हुई, अभी भी आपके पास टाइम है, आप अभी भी कर सकते। वेरी नाइस, मुझे लगता है हरेंद्र जी ने लास्ट में रिस्क मैनेजमेंट की बात भी समझा दी। बिल्कुल, तो मैंने सम रिस्क साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, ये भी बात सही है। और ये हमारे को एक एडऑन बात पता चली कि जो शायद हम सभी लोग नहीं बता पाए थे कि बहुत से कोर्स में सिमिलरिटी है और वास्तव में चांस की बात है, और हरेश हो जाता बच्चा जब एक जगह उसे फेलियर मिलती है, पर एट द सेम टाइम मोटिवेट हो जाता जब दूसरी जगह उसे सक्सेस मिल जाती है। यस सर, यस। और इस एज में जो है मोटिवेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो अगर साइमल्टेनियसली भी लेकर चलते हैं तो इट्स एड ऑन एडवांटेज। अब समय काफी हो गया, बिल्कुल होप कि अपन जल्दी से कंक्लूड करेंगे। ओवर टू देविका मैम। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अब समय हो गया जब हम बच्चों से बोलें कि आप अपने जो क्वेश्चंस हो वो प्लीज पूछें। यू कैन रेज योर हैंड्स और अनम्यूट योरसेल्फ। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हो, ये दिस इज द टाइम वेयर इन वी हैव, यू नो, वी हैव टू सीएस सिटिंग एंड सीएस एंड सीएमए। ऐसा ऐसा अमलगमेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कुंभ का मेला है, इसमें नहा लो। तो आई थिंक जूरी जैन ने अपने आप को का वीडियो ऑन कर रखा है। जूरी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे बेटा? जूरी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। मैम, माय क्वेश्चन इज फ्रॉम राजीव सर। ओके सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर फाउंडेशन नाउ, सो इफ आई एम क्लियर that exam, so what is your opinion to for the articleship, I mean to say training, that what is better, like Big Four or the normal CA firm? Beta, definitely if you get an opportunity to enroll yourself in Big Four, definitely there is no doubt about this, that you will get a very big exposure there of a different world. That will be a very different world, and that will help you in your subsequent career. But don't get disappointed if you don't get any chance in getting yourself enrolled there. Even the smaller firms can also give you proper training. Therefore, it is a matter of if the chance is there, you get a training seat there, go ahead with Big Four training. But don't get disappointed if you don't get any chance of training there. So both ways, it is possible, depending upon what opportunity you get. So true, sir. Varsha Jhawar. Varsha Jhawar, I think, has raised her hand. Varsha, beta, you can unmute yourself. Yeah. आपका mic muted है beta. Just unmute yourself first. हाँ, बोलिए beta. Ma'am, my question is from CA Rajiv Sogani, sir. Sir, now I am in final year, and this year, this month, probably we will get graduate. My question is, now I want to do CA, and I have heard of the direct entry route for the CA course. So is that beneficial, or there are some disadvantages of that? No, not at all. And agar aap mere se puchoge beta, to after graduation, if you are entering CA, that is all the more good. And there is absolutely no disadvantage. According to me, in long run, it is advantageous if you get into the CA course after graduation. You may be late by a couple of years, maybe about 1 year, but that will not make any difference in long run. Suppose aapka career hoga 40 years ka, to 40 years mein 12 months, 18 months ka koi farak nahi padta hai. So there is no problem. You can
after graduation very well enter the CA course. सर इस इनफैक्ट इससे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सर कि अगर एक बच्चे ने सीएस कर लिया है और फिर वो सीए करना चाह रहा है तो सर इसमें कुछ एग्जेम्पशंस उसको मिलते हैं या इस कोर्स में नहीं, उसको कुछ नहीं सीए में एग्जेम्पशंस नहीं है. सीए में जो भी सिलेबस है वो सारे पेपर्स उसको क्लियर करने होंगे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज ऑलरेडी हैविंग अ डिग्री ऑफ सीएस सो दैट इज नॉट देयर. He will have to clear. But as Shyamji and Arindji have said, lot of syllabus is common. Yes, sir. So, koi bahut difficulty nahi hogi. Similar syllabus hai. Aur agar wo ek particular institute ke exam ko syllabus ke saath clear kar saka hai bachcha, to dusre institute mein bhi wo kar payega. Isliye koi dikkat nahi. But there is no exam. Right. I think Pooja Gaur wants to ask something. इंटरमीडिएट में है और 3 पेपर का फाइनल के अंदर है. 6 पेपर्स का और ओवरऑल चाहे आपने सीएमए किया सीएस कर रहे हो या सीएस किया हुआ है सीएमए कर रहे हो तो 6 पेपर्स का एग्जेम्पशन आपको मिलता है. 3 पेपर्स का एग्जेम्पशन जो है वो इंटरमीडिएट पे मिलता है एंड 3 पेपर्स का एग्जेम्पशन आपको फाइनल के अंदर मिलता है. काफी बड़ा एग्जेम्पशन. वंडरफुल सर, वंडरफुल. और सर एक बच्चा जो है जस्ट 12th के बाद फाउंडेशन से आ रहा है और एक बच्चे फाउंडेशन स्किप करके ग्रेजुएशन के बाद आ रहा है तो सर उसमें क्या डिफरेंस होता है सर बच्चों व्हिच इज बेटर? नहीं देखिए इन टर्म्स ऑफ सेविंग द टाइम डेफिनेटली फाउंडेशन के बाद अगर आता है तो दैट सेव्स सम टाइम बिकॉज देन ग्रेजुएशन एंड सीए साइमल्टेनियसली हो जाता है. लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे अगर कोई जना इतना इम्पेशेंट नहीं है कि वो बहुत जल्दी सीए की डिग्री हासिल करना चाहता है तो मेरा मानना ये है कि सीए जैसे कोर्स के लिए मैच्योरिटी लेवल जो है बिकॉज सीए यू हैव टू डील विथ द बिजनेस वर्ल्ड. उस बिजनेस वर्ल्ड को डील करने के लिए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैच्योरिटी ग्रेजुएशन से पहले नहीं आ पाती है. तो अगर किसी में पेशेंस है माय रिकमेंडेशन वुड बी गो आफ्टर बीकॉम और ग्रेजुएशन. ट्रू सर. मैम मैसेज बॉक्स में एक क्वेश्चन ये मीनाक्षी राणा का है सर से पूछना चाह रही है कैन आई क्लियर सीएस एग्जाम विदाउट कोचिंग. ओवर टू श्याम सर. मेरे ख्याल से इट्स ऑल डिपेंड्स अपन यू. कोचिंग को लेकर के ना एक बहुत ही अच्छा और बुरा दोनों तरीके का नैरेटिव्स खड़ा किया गया है. कुछ लोग कहते हैं नहीं कोचिंग गलत है तो कुछ कहते हैं कोचिंग अच्छा. इट्स ऑल अपन यू नो. आपको लगता है देखो कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है. डिग्री पर से नहीं कहती आपको सी ए सी एस सी ए में. उनके लिए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल इज मोर देन इनफ एंड आप रेफरेंस बुक्स यूज कर सकते हैं. और वैसे भी डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज हैं और मुझे अभी लग रहा है और जैसा चूंकि वी हैव कम आउट विद विजन 2022 एंड नाउ वी आर वर्किंग ऑन विजन 2030 एंड सो दी अदर इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग. आने वाले टाइम में मुझे लगता है दोनों तीनों इंस्टीट्यूशंस का वे ऑफ टीचिंग और मेथोडोलॉजी चेंज होने वाली है क्योंकि अभी जो रिकग्निशन मिल रहा है ना वो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल रिकग्निशन से बहुत ज़्यादा हो रहा है. अभी सीएस और इनकी जो अहमियत है ना वो बहुत बढ़ गई है. ठीक है तो अब ये डिस्टेंस में नहीं रहेगा. ये डिस्टेंस से धीरे 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 बाहर आएगा. ये तीनों प्रोफेशन को बाहर आना ही पड़ेगा. देन ओनली वी बी इन अ पोजीशन क्योंकि मल्टीनेशनल जो प्रोफेशनल फॉर्म्स है वो हमारे इंडिया में आ रही है. इन्वेस्टमेंट आ रहा है उनको. आप बिग फोर्स या बाकी कल को बड़ी फॉर्म्स आएगी तो इनको अलाउ करना ही पड़ेगा. वी डोंट हैव एनी चॉइस. तो हमें उसके लिए अपने आप को तैयार रखना होगा. एंड दैट बीइंग अ रीजन यू नो प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते हैं कि हमारे इंडिया में भी हमें बड़ी फॉर्म्स प्रोफेशनल फॉर्म्स क्रिएट करनी होगी. तो आपको लगता है कुछ अच्छी सब्जेक्ट्स की पूरे सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग लेना मुझे नहीं लगता जरूरी है. लेकिन हाँ कुछ सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स की जो हाँ आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा मुझे एड ऑन की जरूरत है. कई बार बच्चा होता है उसके लिए जैसे मान लो टैक्सेशन है कॉस्टिंग है या कुछ अकाउंट्स हैं जो आपके लिए नए हैं तो उन चीज़ों की आप ले सकते हैं. बट अगेन इट डिपेंड्स कि आप कोचिंग किस से ले रहे हैं. ठीक है ना. यदि सही व्यक्ति से कोचिंग ले रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प. और आप अपने आप में कॉम्पिटेंट है तो कोई जरूरी नहीं. तो इसका कोई ऐसा वन लाइन रिप्लाई नहीं है. यू नो यू गॉट माई पॉइंट कि लेना है जो बच्चे ले रहे हैं वही पास होते हैं ऐसा भी नहीं. और जो बच्चे नहीं ले रहे हैं वो फेल होंगे ऐसा भी नहीं. इट ऑल डिपेंड्स. ट्रू सर.
श्याम सर से एक और क्वेश्चन पूछा है सर देवाक्षी शर्मा ने कि शी वुड लाइक टू नो द स्कोप ऑफ सीएस कंपनी सेक्रेटरीशिप स्पेशली इन जयपुर और राजस्थान. मेरे ख्याल से ना ये माइंडसेट से बाहर निकलो आप, ठीक है ना. ये एक यू नो हमारी बचपन में आप लोगों ने बहुत पढ़ी होगी, वो कहते हैं ना काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा ततेव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम. इन दो तीन वर्ड्स का मैं ना आपको मैनेजमेंट के सेंस में अर्थ बताता हूँ, ठीक है. एक तो ये काग चेष्टा, ठीक है, वो हार्ड वर्किंग आप करते रहो. बको ध्यानम, ठीक है, वो बगुले की तरह आप ना फोकस्ड करो. आप देखते हो ना एक जो बगुला है वो खड़ा रहता है, छोटी छोटी मछलियां आती है उनको नहीं खाता, जैसी बड़ी आती है. तो आप लोग फोकस्ड रहो, एक एक टारगेट बनाओ, फोकस्ड रहो और उसी पे फोकस करो. दायां बायां ना भटकना बंद करो. और अच्छा भटकाव आता है, मैं ये कह करके ये नहीं कहता, इतना आसान नहीं कहना, मेरे लिए बहुत आसान है. भटकाव आएगा, आना भी चाहिए, लेकिन भटकाव को जितनी जल्दी हो सके उसको स्थिर करो. एक ना हमेशा एक एक डॉग की तरह अलर्ट रहो. और खासकर ऐसे टाइम में तो हमें सब जगहों की खबर रखनी है, नजर रखनी है, और उनको फेस करने का ना जिगर भी रखना है, और साथ में लाइफ में थोड़ा सबर भी रखो. मतलब जैसे सर ने कहा ना, हम लोग क्यों इतनी जल्दबाजी के अंदर है, ठीक है ना. हम क्या हो जाएगा, हम थोड़ा सा जल्दी सीए बन के हम कौन सा करोड़पति घर वालों को बनाने वाले, और कौन सा लेट होके कोई हमारे घर वाले ज्यादा गरीब हो जाएंगे, ठीक है. जनरल नोट बात कर रहा हूँ मैं आपसे. कहने का मतलब आप 2 साल पहले बनो या बाद में बनो ये इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी फाउंडेशन कितनी मजबूत है. आप एक्चुअल में जो पढ़ करके आए हो वो जेन्युइनली ईमानदारी से फाउंडेशन मजबूत करके आए हो कि नहीं. आप वो भले आप 5 साल में आते हो, 7 साल में आते हो या 2 साल में आते हो, दैट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंट. एंड वन थिंग मोर फ्रेंड्स, अल्पाहारी और गृह त्यागी, जो बच्चे ने सवाल किया ना, अल्पाहारी मीन्स ऐसा नहीं कि कम खाना खाओ, कीटो डाइट पे रहो, डाइटिंग करो, वो ठीक है. उस अल्पाहारी का मतलब ये नहीं होता. एक चीज ध्यान रखो, ये जो हमारी आंखें हैं, हमारा नाक है, हमारा मुंह है, हमारा कान है, ये भी तो आहार लेता है ना शरीर के अंदर. तो इससे आप अच्छी चीजों का आहार लो. हम दोनों चीजें देखने को मिलती है, अच्छी बात, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, अच्छी बातें, बुरी बातें, यू नो, अच्छी स्मेल, बुरी यू नो, अच्छी फ्रेग्रेंस, बुरी स्मेल, बहुत सारी. तो हमें अच्छी चीजों को हमारे अंदर लेना है. और एक हमारे में गृह त्यागी का मतलब ऐसा नहीं माँ बाप को छोड़ना, मोबिलिटी होनी चाहिए. आप यदि सीए सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि सीए सीएस करके मुझे जयपुर में जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप अपना दृष्टिकोण, जो आपका विजन है, वो आप छोटा रख रहे हो. आपका हनुमान जी की तरह दृष्टिकोण अखंड होना चाहिए, यानी कि मुझे जहां बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहां मूव करूंगा. जयपुर में मिलती है, जयपुर में करूंगा. राजस्थान में मिलती है, राजस्थान में करूंगा. बॉम्बे में मिलती है, बॉम्बे करूंगा. आजकल तो तीनों प्रोफेशन में इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी है. मुझे लंदन, मेरी शादी हो जाती है लंदन, मेरे को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वहां पे भी मूव करूंगा, ठीक है. तो अभी से बच्चा लोगों ये सोच करके हमारे को नहीं डिग्री में ज्वाइन करना डिग्री. बट आपका चूंकि स्पेसिफिक सवाल है, यस, जयपुर और राजस्थान में भी सीएस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, जॉब में भी है. अभी अच्छी कंपनीज राजस्थान में आ रही है और प्रैक्टिस में भी बहुत अच्छा काम है. एसएमई राजस्थान में बहुत है, एसएमई का बहुत काम है. एनसीएलटी राजस्थान में खुल चुकी है, आप एनसीएलटी में अपेयर हो सकते हो, वैल्यूएशन का आप काम कर सकते हो. तो यस, राजस्थान में भी कंपनी सेक्रेटरी का अच्छा है. सो ट्रू सर, थैंक यू सो मच. इनफैक्ट वी विल टेक अप द लास्ट क्वेश्चन क्विकली. आई थिंक पूजा गौड़ हैज रेज्ड हर हैंड. पूजा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बेटर. गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग मैम. माय क्वेश्चन इज फ्रॉम राजीव सर. सर जैसा कि आपने काम मुझसे पूछा कि आपको बेटा डर तो नहीं है अकाउंटेंसी का, मैं तब नहीं कह पाई, पर हाँ सर, कहीं ना कहीं मुझे अकाउंटेंसी से बहुत डर लगता है. अकाउंटेंसी से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने बीबीए, कहीं मतलब बिजनेस स्टडीज में इंटरेस्ट है बट मैं अकाउंटेंसी साथ में नहीं पढ़ना चाहती थी, तो मैंने बीबीए ऑप्ट किया. तो सर अगर मैं अकाउंटेंसी नहीं चाहती, मतलब अकाउंटेंसी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या मुझे हट जाना चाहिए सीए सीएस या सीएमएस से? नहीं देखिए बेटा, सो फार एज सीए इज कंसर्न, डेफिनेटली अगर आप अकाउंटेंसी का कोई फियर है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, कोई इसमें आप कोई अपना इंफीरियरिटी मत फील करिए कि आपको अकाउंटेंसी से डर लगता है. नथिंग रॉन्ग, दुनिया में किसी को किसी से डर लगता है, किसी को किसी से डर लग सकता है. सो नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट एक्सेप्ट इट. एंड अकॉर्डिंगली मेरा मानना यह है कि अगर इफ यू हैव अ फियर अकाउंटेंसी का, तो सीए के कोर्स को मत ज्वाइन करिए, दैट विल मेक योर लाइफ हेल. सो आइदर ट्राई फॉर सम टाइम टू डेवलप फैसिनेशन फॉर अकाउंटेंसी. इफ यू आर सक्सेसफुल इन डेवलपिंग फैसिनेशन, देन कम टू सीए.
If you are not able, then accept it and don't go for CA. सर ये क्वेश्चन मैं श्याम सर से भी पूछना चाहूंगी कि अगर जैसे पूजा को सर अकाउंटेंसी से डर लगता है तो क्या सीएस कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स उसके लिए ठीक रहेगा? बिकॉज कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स के जो सिलेबस है क्या सर वो कंपैटिबल रहेगा उसकी पर्सनालिटी से? हाँ ठीक, देखो कंपनी सेक्रेटरी में नेचुरली अकाउंट्स का पोर्शन सीए के कंपैरिजन में कम है. देखो तीनों में जैसा हिरेन जी ने कहा एक बेसिक लेवल तीनों प्रोफेशन में कॉमन है, लेकिन जब आप सीए की बात करोगे तो वहाँ टैक्सेशन और अकाउंट्स एडवांस आ जाते हैं. जहाँ कंपनी सेक्रेटरी की बात करोगे तो कंपनी लॉ अलाइड लॉज एडवांस आ जाते हैं. कंपनी लॉ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी पढ़ता है तो कंपनी लॉ सीए में भी पढ़ रहा है, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी उसका एडवांस वर्जन पढ़ता है. ऐसे ही टैक्सेशन और अकाउंट्स कंपनी सेक्रेटरी भी पढ़ रहा है लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका एडवांस वर्जन पढ़ रहा है. तो डर से मतलब इन दी सेंस देखो ये जब हम सीए करें सीएस करें डर जैसा कुछ होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना. डर तो हमारा दिमाग की उपज और कुछ भी नहीं है, ठीक है. यदि आपको सीए करना है और आपको लगता है कि आप 5 या 6 साल दे सकते हो, देखो सीए करने के लिए ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट 5.5 साल लग जाते हैं यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो तो 4-5 साल. सीएस यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हो तो 2.5 से 3 साल के अंदर आपका सीएस हो जाता है. सेम इज अ केस विद दी सीएमए. तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए ड्यूरेशन कितना, आप 5-5.5-6 साल आप क्या देने की स्थिति में हो या नहीं हो, पहला इम्पोर्टेंट. दूसरी चीज यदि आपको अकाउंट सीए करना है तो अकाउंट्स तो इम्प्रूव किया जा सकता है. अभी तो आप तो ग्रेजुएशन के बच्चे हो, 12th या ग्रेजुएशन के बच्चे हो, तो आप तो लर्निंग स्टेज में हो ना. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज आपको डर लग रहा है तो कल को आप इम्प्रूव नहीं कर सकते. लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कोई एक एक फियर फोबिया बैठ गया है या आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो कि नहीं ये सब्जेक्ट मैं लाइक नहीं करती हूँ, ठीक है, मेरा डोमेन नहीं है, मैं लाइक नहीं करती हूँ, तो ठीक है, फेयर इनफ. आप राजीव जी ने सही कहा, आप फिर यू मूव फॉर अ सीएस और आई थिंक सीएस इज अ बेटर चॉइस. देन सीएस के साथ एलएलबी कर लो यदि आपको पूरा कोर्ट वगैरह में भी अपियर होना है. सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस करनी है तो कंपनी सेक्रेटरी कर लो, और अच्छा बनना है तो सीएस प्लस एलएलबी एनएलयू के साथ लॉ कर सकते हो. तो देयर आर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और विदाउट कॉम्बिनेशंस. सो ट्रू सर. Any more questions or should we wind up? Is there any question? मुझे लगता है कि time हो गया है और अभी जी सर यहीं अब विराम देना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल सर. I think ये बच्चों की queries तो चलती रहेंगी and we would request all the dignitaries कि ये association सर long term रहे. हम आपको आगे भी तंग करते रहेंगे सर, हमारे बच्चों को आप inspire करते रहें. It would be a great pleasure. कि आपने यू टुक आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल सर एंड अग्रीड टू बी विद आवर स्टूडेंट्स एंड मोटिवेट देम एंड आई एम श्योर दे हैव गॉट इंस्पायर्ड एंड दे विल डेफिनेटली डू बेटर नाउ एंड देयर इज डेफिनेटली अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द 3 प्रोफेशंस सीए सीएस एंड सीएमए एंड नाउ दे विल ट्रेड टू मेकिंग अ बेटर पर्सन आउट ऑफ देम. So on this note, I would like to thank CA Rajiv Sogani sir, CS Shyam Agarwal sir, and CMA Harindra Parikh sir, and definitely our own director sir, Dr. Sanjay Biyani sir, for taking out time and inspire our students. We are really grateful, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank our you. Pleasure. Thank you. All the best. Thank you so All much. The best. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Ji, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. I think we can officially split now. Thank you, sir. Okay.